फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी आई क्यूज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और इतिहास की अपनी सीरीज में आज मैं एक नया सेशन लेकर आया हूं जो कि जुड़ा है मॉडर्न हिस्ट्री से। और टॉपिक में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एजुकेशनल डेवलपमेंट, कि कॉलोनियल रूल या ब्रिटिश रूल के अंडर भारत में एजुकेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज के सेशन को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा यूपीएससी सीएससी एस्पायरेंट्स को कि अगर वो प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी सीएससी के लिए एक थॉरो मैनर में, तो उनके लिए स्टडी आईक्यू लेकर आया एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसपे वो जाकर यूपीएससी सीएससी मेन से रिलेटेड 1300 से प्लस वीडियोज जो हैं वो उनको एक्सेस कर सकते हैं। डेली का करंट अफेयर उनको मिलेगा, अपडेटेड डेली का उनको क्विज मिलेंगे, डेली के क्वेश्चन सॉल्विंग, आंसर राइटिंग, डाउट सॉल्विंग एंड सारा का सारा पैकेज जो है वो यूपीएससी सीएससी से रिलेटेड उस एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। सो मेक श्योर यू चेक दैट आउट। वो एप्लीकेशन जरूर एक बार चेक जरूर कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। मेक श्योर यू चेक दैट एप्लीकेशन आउट और आप देखें वो कोर्स कैसा है, किस तरह डिजाइन हुआ है, जस्ट गो थ्रू दैट कोर्स, राइट। सो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सो जैसे कि मैंने कहा कि आज हम एजुकेशनल डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करेंगे कि अंग्रेजों ने भारत में एजुकेशन का विकास कैसे किया। अब वो विकास है या नहीं वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि किसके लिए विकास था, वो भारतीयों के लिए विकास था या कॉलोनियल इंटरेस्ट के लिए। दोनों चीजों को, सारे सवालों के जवाब ढूंढने की आज हम कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी रूल के अंडर क्या क्या जो है वो फैसले लिए गए। सो हम 1773 के बाद की घटनाएं देखेंगे। क्यों? क्योंकि एज एन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 1773 के बाद कंपनी ने काम करना शुरू किया। उससे पहले 1600 से लेकर 1773 तक कंपनी केवल एक ट्रेडिंग कंपनी की तरह जो है वो काम करती रही। कंपनी का जब मैं नाम ले रहा हूँ तो मैं ईस्ट इंडियन कंपनी की बात कर रहा हूँ, राइट, ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी की। वो एक ट्रेडिंग कंपनी की तरह काम करती रही और उसने जो काम किए हैं वो सारे उसके ट्रेडिंग या इकोनॉमिक इंटरेस्ट के थे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो मैंने आपको कराया, उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने की जो है वो पहल करी अंग्रेजों ने अपने एंड से। और मैंने आपको समझाया कि किस तरह सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से शक्ति लेकर क्राउन ने अपने हाथ में जो है वो शक्ति को कैसे एक्वायर किया। और फिर 1833 में जब वॉइसरॉय बट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए विलियम बेंटिक, तो किस तरह जो है वो एक स्थायी केंद्रीयकरण हुआ। फिर उसके बाद मैंने विकेंद्रीयकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन समझाया आपको कि शक्ति फिर सेंटर से किस तरह प्रोविंसेस को बांटी गई। उसके बाद काउंसिल्स एक्ट के माध्यम से मैंने आपको डिसेंट्रलाइजेशन भी समझाया। आज हम उन्हीं सब के बीच में एजुकेशन के लिए क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए, एजुकेशनल रिफॉर्म्स हम समझने की कोशिश करेंगे, राइट। सो सबसे पहले देखिए, पहला पॉइंट है कलकत्ता मदरसा वाज एस्टैब्लिश्ड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स इन 1781। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उन्होंने कलकत्ता मदरसा जो है वो एस्टैब्लिश किया 1781 में। उसके बाद संस्कृत कॉलेज जो है वो 1791 में एस्टेब्लिश किया गया जॉनाथन डंकन द्वारा, बनारस के रेजिडेंट थे वो, ताकि हिंदू लॉ और फिलॉसफी को पढ़ाया जा सके लोगों को, राइट। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आगे आने वाले टॉपिक्स में स्ट्रेटजी बताऊंगा कि ये ओरिएंटलिस्ट जो इतिहासकार हैं, विलियम जोन्स जैसे जो लिंग्विस्ट हैं, जो ओरिएंटलिस्ट लिंग्विस्ट हैं, उन्होंने, और वॉरेन हेस्टिंग्स वाज आल्सो एक ओरिएंटलिस्ट, उसकी अप्रोच थी भारत को लेकर, उनका मानना ये था कि भारतीयों को उनकी वर्नैक्युलर लैंग्वेज से जोड़ के रखी, देख ऊपर ऊपर वो यही बात बोलते थे कि भारतीयों को वर्नैक्युलर लैंग्वेज के साथ जोड़ के रखिए उनकी, और भारत में उनकी वर्नैक्युलर लैंग्वेज का जो है वो प्रोपगेशन कीजिए। वर्नैक्युलर शब्द का मतलब होता है लोकल, तो भारत की जो लोकल भाषाएं हैं जैसे कि बंगाली, मराठी, अवधी, सांथली, ये सारी क्या है, वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में, रीजनल लैंग्वेज या वर्नैक्युलर लैंग्वेज, राइट। तो ओरिएंटलिस्ट की अप्रोच क्या थी कि भारत में वर्नैक्युलर एजुकेशन को प्रमोट किया जाए ताकि भारतीयों को उनकी जो नेटिव, उनका जो सिस्टम है जो चला आ रहा है उसके साथ वो जुड़े रहें, ठीक है। और उसके खिलाफ में जो एंजेलिस्टिक हैं वो कहते थे कि अंग्रेजी को प्रमोट करो, वेस्टर्न साइंस को प्रमोट करो। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है, आगे आपको मैं समझाऊंगा। लेकिन इंटरेस्ट क्या है, अगर कॉन्फ्लिक्ट है वो किस में होता है, इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट होता है, राइट।
तो अंग्रेज जो है वो सडनली भारतीयों के लिए उपकार, मतलब उपकार नहीं कर रहे थे वो भारतीयों में, भारत में अगर वो एजुकेशन सिस्टम को डेवलप कर रहे थे तो अपनी आसानी के लिए। क्यों? क्योंकि अगर उनको भारत में एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश करना था तो भारतीयों की जरूरत थी। मैंने आपको बताया ना हिंद स्वराज गांधी जी की किताब, उसमें उन्होंने लिखा है कि भारतीयों ने ही कोऑपरेट किया है, राइट? तो वो भारतीयों का कोऑपरेशन लेने के लिए अंग्रेजों ने पहले भारतीयों की भाषाएं सीखनी शुरू करी। इसके लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है वो एस्टेब्लिश की गई थी, राइट, विलियम जोन्स की अध्यक्षता में। वो आगे आने वाले टॉपिक्स में आपको मैं बताऊंगा कि वो उसका क्या जो है वो इंपॉर्टेंस है, क्या भागीदारी है, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो आज हम पढ़ रहे हैं, राइट। रिजल्ट के तौर पे क्या हुआ कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो वर्नैक्युलर भाषाओं पे, लोकल भाषाओं पे जो प्रेशर डाला, इससे कर क्या रही थी अंग्रेजी सरकार या कंपनी की सरकार, कर ये रही थी कि भारतीयों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे वो। आपने सुना होगा कि अगर अपने दुश्मन को हराना है तो पहले दुश्मन के बारे में सीखो। वही अंग्रेजों ने करना शुरू किया कि अगर भारतीयों पर लंबे समय तक कंट्रोल रखना है तो पहले इनका इतिहास हमें सीखना पड़ेगा, इनके लिटरेचर को हमें समझना पड़ेगा, और हमें एक ऐसा वर्ग क्रिएट करना पड़ेगा जो कि हमारा लॉयलिस्ट हो और इनका इतिहास जो है वो उस पर पकड़ हो, राइट, साहित्य पे पकड़ हो। इसीलिए दो तरह के जो है वो कॉलेज यहां पर हमें शुरुआत में एस्टेब्लिश होते हुए दिखे। मुस्लिम पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए मदरसों को जो है वो अंग्रेजों ने अपनी शरण में लिया, और दूसरी साइड संस्कृत कॉलेज जो है वो एस्टेब्लिश करने शुरू किए। क्या भारत में केवल यही दो तरह की भाषाएं हैं? क्या भारत में केवल फारसी या उर्दू और संस्कृत ही है? क्या उसके अलावा और भारत में लिटरेचर ही नहीं है? क्या भारत में साउथ इंडिया में कन्नड़ लिटरेचर नहीं है, तमिल तेलुगु लिटरेचर नहीं है, मराठा लिटरेचर नहीं है, गुजराती बंगाली और जितनी भी रीजनल भाषाएं उन सब का लिटरेचर नहीं है? उनको प्रमोट क्यों नहीं किया, केवल संस्कृत को प्रमोट क्यों किया? क्योंकि संस्कृत के हिसाब, संस्कृत को उन्होंने जो है वो डेवलप किया और उसी के हिसाब से सारे जितने भी हिंदू ग्रंथ हैं उनको संस्कृत में उन्होंने चेंज करवाया, चाहे वो किसी भी भाषा में लिखे हो, उनका ट्रांसलेशन उन्होंने पहले संस्कृत और फिर इंग्लिश में करवाया। इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि जैसे कि मैंने बोला ना कि अंग्रेजों ने इतिहास किस तरह बांटा है, हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री और ब्रिटिश हिस्ट्री, तीन तरीकों में बांटा है। और मैंने आपको बताया है कि हिंदू हिस्ट्री को भी अगर आप खोल के देखेंगे तो उसमें बहुत सारी लेयर्स आपको मिलेंगी, मुस्लिम हिस्ट्री को भी हम खोल के देखेंगे उसमें बहुत सारी लेयर्स हमें निकल कर मिलेगी। तो अंग्रेजों ने तीन हिस्से में बांट दिया, क्यों? क्योंकि पहली बात तो वो कंट्रोल करना चाहते हैं जनरल पब्लिक के दिमाग पे, राइट, इसलिए उन्होंने जो उलमा हैं और जो पुरोहित हैं उनको जो है वो शह दी सबसे पहले, और उनसे अपना लिटरेचर जो है वो बड़े तौर पर लिखवाना और समाज में उस चीज़ को प्रमल्गेट कराना शुरू किया कि उस विचारधारा को समाज में बैक करना शुरू कीजिए, राइट। जो ग्लोरी है, राइट, वो जो ग्लोरियस और गोल्डन एज वाला जो कॉन्सेप्ट आता है वही धीरे धीरे डेवलप करना शुरू किया किसने? अंग्रेजी सरकार ने भारत के अंदर वो हिंदू जो कल्चर था उसकी जो ग्लोरीफिकेशन थी वो लोगों को धीरे धीरे जो है वो दिखानी शुरू करी। फिर मुस्लिम कल्चर ने किस तरह जो है वो, या इस्लाम ने किस तरह हिंदुओं का हनन किया है वो अंग्रेज़ों ने दिखाया। फिर हिंदू किस तरह इस्लाम से लड़े, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ये अंग्रेज़ों ने डेवलप किए हैं। क्यों किए हैं? ताकि भारतीय जनता आपस में लड़े, ये उनकी फूट डालो और शासन करो की नीति का एक हिस्सा था, जो कि आज तक अनफॉर्चुनेट है बहुत ज़्यादा। आज़ादी के बाद हमें ऐसा लगा कि हमारी जो सरकारें आएंगी वो कुछ करेंगी फूट डालो शासन करो नीति का, लेकिन उन्होंने इस फूट डालो शासन करो नीति का इस्तेमाल किया, हो भी रहा है। अगर आप देखें आज भी कितनी ज़्यादा कॉम्युनल डिसहार्मनी है भारत में, इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। खैर ये सब अलग व्यूज़ हैं, इनको आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे, बट ये शुरुआत जो है वो कॉम्युनल डिसहार्मनी की एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। ऐसा नहीं है कि कॉम्युनल डिसहार्मनी पहले नहीं थी, हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन वो रीजनल था। उसको नेशनल लेवल पर लेकर जाना और उसको नेशनल सिलेबस में ऐड करना काम शुरू किया किसने? अंग्रेजों ने, राइट। और उसी का ही दो एग्जाम्पल हमें सबसे पहले देखने को मिलता है, कैलकटा मदरसा और संस्कृत कॉलेज। कैलकटा मदरसा वॉरेन हेस्टिंग्स 1781, उसके बाद संस्कृत कॉलेज जॉनथन डंकन बनारस में 1791। उसके बाद फोर्ट विलियम्स कॉलेज जो है वो लॉर्ड वेलेजली ने एस्टेब्लिश किया 1800 में, ताकि भारत में इंपीरियल सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग दिया जा सके, राइट। जैसे आईएएस की ट्रेनिंग या सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग भारत में कहां होती है?
प्रेजेंट डे लबासना में, राइट। सो उसी तरह जो है वो उस समय अंग्रेजों ने सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग 1800 में शुरू करी फोर्ट विलियम कॉलेज में, ताकि भारतीय कस्टम जो है वो सिखाए जा सके, लेकिन 1802 में उसको बंद करके वापस लंदन शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद देखते हैं चार्टर एक्ट में क्या बदलाव आया, तो ध्यान रखना है ये फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेजली, ठीक है, किस चीज के लिए, सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग के लिए। चार्टर एक्ट 1813 इनकॉर्पोरेटेड द प्रिंसिपल ऑफ एनकरेजिंग लर्न्ड इंडियंस एंड प्रमोटिंग नॉलेज ऑफ मॉडर्न साइंस इन कंट्री, राइट। भारत में एजुकेशन को प्रमोट करने का अंग्रेजों की तरफ से, भारत में वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने का अंग्रेजों की तरफ से पहला कदम हमें चार्टर एक्ट 1813 में देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सो आज का जो टॉपिक है ना, जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड एग्जामिनेशन दे रहे हैं जो बच्चे, चाहे वो यूनियन लेवल का टेट हो या किसी राज्य लेवल का टेट हो या टीजीटी के जो भी राज्य लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं, या एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई भी एग्जामिनेशन अगर दे रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो हम सारी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं वो उनके पेपर में बढ़ चढ़ कर पूछा जाता है। एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक है और उनका एग्जामिनेशन एजुकेशन से रिलेटेड है, तो ये टॉपिक्स पे सवाल बढ़ चढ़ कर आते हैं उनके एग्जामिनेशन में। तो अगर आपको अगर कर रहे हैं तैयारी एजुकेशन की, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्वाभाविक तौर पर टॉपिक आज का। सो जैसे कि मैंने बोला, याद रखना आपको वेलेजली क्या खोला उन्होंने, सिविल सर्वेंट्स के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज में एजुकेशन। लेकिन चार्टर एक्ट में पहली बार वेस्टर्न तर्ज पे एजुकेशन जो है वो शुरू हुई, उसके लिए 1,00,000 रुपए, राइट। द एक्ट डायरेक्टेड द कंपनी टू सैंक्शन 1,00,000 रुपीज एनुअली फॉर दिस पर्पस, ठीक है, जो कि 1823 में जाकर मिले। 1813 में बोला था, लेकिन वो 1,00,000 रुपए सैंक्शन हुए 1823 में जाके पहली बार। उसके बाद गवर्नमेंट आल्सो सेट अप संस्कृत कॉलेज एट कैलकटा, दिल्ली और आगरा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपनी वही जो है वो जो पैटर्न चल रहा है भारत में डिसहार्मनी फैलाने का, वो उन्होंने छोड़ा। संस्कृत कॉलेजेस की एस्टेब्लिशमेंट हो रही है कैलकटा, दिल्ली और आगरा। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि संस्कृत कॉलेज एस्टेब्लिश नहीं होने चाहिए, वेदों की पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं तो एनकरेज करता हूँ कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है ना, हमारा जो एजुकेशन दिया करते थे हम, हमारे गुरुकुलों में जो पढ़ाया जाता था, वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन नॉलेज थी और वो भारत के लिए बहुत ज़रूरी थी, राइट। क्योंकि जो वेस्टर्न एजुकेशन भारत में लाई गई है ना, उससे भारत में जो जल्दबाजी की गई है मॉडर्नाइजेशन लाने की, उससे भारतीयों को असर नहीं हुआ, केवल कॉलोनियल इंटरेस्ट बना। क्यों? क्योंकि जो जल्दबाजी में वेस्टर्न एजुकेशन भारत में इम्पोज किया गया है, उससे एक मिडल क्लास जो है वो एक लॉयलिस्ट वर्ग डेवलप हुआ, जिसकी ज़रूरत अंग्रेजों को थी, लेकिन जो भारतीयों को ज़रूरत थी वो थी अपने बेसिक नॉलेज को जानना, भारतीय उपमहाद्वीप के हिसाब से किस तरह खाना खाना चाहिए, ऐसा हमारे वेदों में लिखा है, राइट। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने एनालाइज किया भारत के मौसम को, और फिर उन्होंने कई सैकड़ों सालों में इस चीज़ को धीरे धीरे जो है वो हिट एंड ट्राई के माध्यम से डॉक्यूमेंट किया है। ये जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि किस तरह खाना खाना चाहिए, कैसा खाना खाना चाहिए, ये सब जो है वो हमारे जो एंशियंट टेक्स्ट हैं, लिटरेचर है, उसमें डॉक्यूमेंटेड है। कैसी आपकी विचारधारा कैसी होनी चाहिए, उसके अलावा आपका जीवन का स्टाइल कैसा होना चाहिए, आप अपने लिए जो है वो खुद इकोनॉमी कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे साहित्य में अवेलेबल हैं और ये बहुत ज़रूरी है भारतीयों को पढ़ाना। लेकिन जो अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती मॉडर्नाइजेशन किया है भारत में, ये अंग्रेज़ों का इंटरेस्ट था। प्लस मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में समझाऊंगा कि किस तरह कॉलोनियल इंटरेस्ट दुनिया में फैला, और मैं वर्ल्ड हिस्ट्री में समझाऊंगा आपको कि कैसे जो है वो जो पूंजीवादी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की एस्टेब्लिशमेंट होती है, और उससे कैसे काउंटर करता है हमारा भारत का एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि भारत का एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा यूटिलिटेरियन है। अगर भारत का एजुकेशन सिस्टम, जो भारत की नेटिव एजुकेशन है, अगर उसको सही तरीके से लागू किया जाए, तो हमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की ज़रूरत है ही नहीं, हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। आज आप खुद सोच के देखिए कि जितने कंज्यूमिंग प्रोडक्ट्स हैं, क्या आपके शरीर को उसकी ज़रूरत है? क्या इससे आपका एवरेज लाइफ स्पैन बढ़ रहा है? क्या आपके आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आ रही है? नहीं आ रही। एवरेज लाइफ स्पैन इंडिया के इंडिविजुअल का घट रहा है, प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स में इंडिया का रैंक जो है वो गिरता जा रहा है। ये वेस्टर्न एजुकेशन और जो कैपिटलिस्ट इकॉनमी है, इसकी वजह से भारत के लोगों का, मेरे अपने शब्दों में कहूँ तो, नाश हो रहा है, ठीक है।
हमारा जो खुद का सिस्टम था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी की वकालत गांधी जी ने करी भी। गांधी जी को इसलिए एग्जीक्यूट भी कर दिया गया क्योंकि वो इसी चीज की वकालत कर रहे थे कि भारत में एजुकेशन सिस्टम या भारत का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो ग्रामीण लेवल से डेवलप होना चाहिए, हमें अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर नेचुरली आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी नेचुरली इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया है, हमें पहले गांवों को सुदृढ़ करने की जरूरत है, ग्रामीण इकोनॉमी को डेवलप करना है और वहां से शक्ति जो है वो केंद्र तक पहुंचानी है। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के खिलाफ था इसीलिए उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, राइट। मतलब ये एक थ्योरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि दिस इज द सर्टेनिटी, बट थिंक अबाउट इट, राइट, सोच के देखिए, राइट। मैंने आपको क्या बोला है कि कोई भी चीज अगर बड़े लेवल पर हो रही है तो वो कोइंसिडेंटल नहीं है, इट इज अ स्ट्रेटजी। इस माइंडसेट पर रहकर चीजों को सोचना शुरू करेंगे तो बहुत ब्रॉड जो है वो क्लैरिटी आएगी आपके दिमाग में, राइट, कि स्ट्रेटजीज समझिए। अगर कोई चीज बड़े लेवल पर हो रही है तो जो बड़ी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो सोच समझ कर कर रही हैं, वो लोग बेवकूफ नहीं है जिन्होंने दो विश्व युद्ध लड़े, और वो विश्व युद्ध क्यों लड़े उन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री में समझाऊंगा आपको मैं। खैर, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, संस्कृत कॉलेज की एस्टेब्लिशमेंट, उसके बाद ओरिएंटलिस्ट और एंजेलिस्टिक कॉन्ट्रोवर्सी क्या है। अब ये ओरिएंटलिस्ट और एंजेलिस्टिक कौन है लोग, ये विचारधारा रखने वाले लोग कौन है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। जो ओरिएंटलिस्ट लोग हैं वो ये चाहते थे कि भारत में हम जो धीरे धीरे एजुकेशन का डेवलपमेंट करें तो वर्नेक्युलर भाषाओं को लेकर चलें। वो ये कह रहे थे कि वर्नेक्युलर भारत की जो लोकल भाषाएं हैं उसको भारत के एजुकेशन में हम यूज करें। ऐसा क्यों कर रहे थे वो, ताकि जो लोग, मैंने आपको बोला ना कि आप अगर कहीं पर आक्रमण करते हैं तो वहां के रूलिंग क्लास को तुरंत हटाते नहीं हैं, आप उसका इस्तेमाल करते हैं आप, ताकि जो है वो आपका, आपके कंट्रोल में मार्केट आ जाए। अंग्रेजों ने वही किया। अगर एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करना है तो भारतीयों को जोड़ना पड़ेगा, राइट, अपने साथ जोड़ना पड़ेगा और आपस में लड़वाना पड़ेगा, इसलिए उनकी भाषाएं सीखना जरूरी है, इसलिए उनको उनकी भाषाएं सिखानी जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम सबको ही अंग्रेजी सिखा देंगे तो उनके बीच में यूनिटी बन जाएगी। अगर हम सबको ही अंग्रेजी सिखा देंगे तो वेस्टर्न तर्ज पे जो आजादी के मोटो या आजादी के जो विचारधाराएं फैल रही हैं वो उनके अंदर आ जाएंगी, राइट। हमें उनके अंदर आजादी की विचारधारा ना लाकर उनके अंदर गुलामी की विचारधारा रखनी है और आपस में लड़वा के रखना है, इसलिए वर्नेक्युलर भाषाओं पर प्रेशर डाला ओरिएंटलिस्ट ने। दूसरी साइड जो एंजेलिस्टिक थे, उनका मानना यह था कि आप जो है वो कॉलोनियल स्ट्रक्चर बना के रखिए, लोगों को गुलाम बनाइए, लेकिन अंग्रेजी माध्यम का इस्तेमाल करते हुए। प्लस जो एंजेलिस्टिक्स है उनको बैक कर रही थी क्रिश्चियनिटी, यानी जो धर्म प्रचारक थे। 1813 के बाद एंजेलिस्टिक लोग जीते ओरिएंटलिस्ट से और भारत में धर्म प्रचारण शुरू हुआ। मैंने आपको बताया ना 1813 में मिशनरीज आना शुरू हुए और सेंट जेवियर के साथ जो है वो मिशनरीज भारत में आना शुरू हुए, और भी बहुत सारे आए थे, सेंट जेवियर इज जस्ट एन एग्जाम्पल। सो पॉइंट यहाँ ये है कि अंग्रेजों ने जो ओरिएंटलिस्टिक, जो मेन फंडामेंटल एजेंडा क्या है अंग्रेजों का, भारतीयों को आपस में लड़वाना और अपने लिए लॉयल बना के रखना और उनको गुलाम रखना अपना, ये फंडामेंटल एजेंडा है। उसी के लिए ओरिएंटलिस्ट भी काम कर रहे थे, उसी के लिए एंजेलिस्टिक भी काम कर रहे थे। ओरिएंटलिस्ट की अप्रोच क्या थी कि वर्नेक्युलर भाषाओं का इस्तेमाल किया जाए, एंजेलिस्टिक की अप्रोच क्या थी कि क्रिश्चियनिटी को फैलाकर अंग्रेजी तर्ज पर मॉडर्न एजुकेशन दी जाए इन लोगों को और मॉडर्न एजुकेशन के बेसिस पे इनको गुलाम बनाया जाए अपना। और 1813 तक ओरिएंटलिस्ट अप्रोच रही, 1813 के बाद एंजेलिस्टिक अप्रोच जो है वो अपनी स्थापना करने में कामयाब रही, ठीक है। सो वही है यहाँ पर कंट्रोवर्सी, ओरिएंटलिस्ट एंजेलिस्टिक कंट्रोवर्सी। पहला पॉइंट देखिएगा, एंजेलिस्टिक आर्ग्यूड दैट द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन शुड बी एक्सक्लूसिवली फॉर मॉडर्न स्टडीज, केवल मॉडर्न स्टडीज के लिए। दूसरी चीज, ओरिएंटलिस्ट सेड व्हाइल वेस्टर्न साइंसेज एंड लिटरेचर शुड बी टॉट टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू टेक अप जॉब्स, एम्फोसिस शुड बी प्लेस्ड ऑन एक्सपेंशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग। तो ये बातें ना पढ़ने में बहुत, मैंने जो लिखे हैं पॉइंट्स बहुत न्यूट्रल हैं, ठीक है, लेकिन जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ दीज आर फैक्ट्स, और जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि क्या उनकी जो है वो हो सकती है विचारधारा, क्यों, क्योंकि अंग्रेज साफ साफ मना करते हैं। ये पॉइंट ऑफ व्यू आप मान सकते हैं कि अंग्रेजों के पॉइंट ऑफ व्यू हैं, ठीक है। अंग्रेजों के हिसाब से जो एंजेलिस्टिक है वो चाहते हैं मॉडर्न होना चाहिए था, और जो ओरिएंटलिस्ट वो चाहते हैं कि भारतीयों में उनकी लर्निंग फैलनी चाहिए। लेकिन हमें पता है ना, एज एन इंडियन हम गुजरे हैं ना उस दौर से, हमें पता है कि उन्होंने हमको सप्रेस ही किया, चाहे ओरिएंटलिस्ट थे चाहे एंजेलिस्टिक थे, दोनों का अल्टीमेट एजेंडा क्या था कि भारतीयों को गुलाम बनाकर रखना है, ठीक है। अलग अलग तरीका था लेकिन वो दोनों का गुलाम बना के रखने का, क्यों, क्योंकि यहां पर हमें ना विग एंड टोरी वाला सिस्टम मैं आपको समझाऊंगा और
कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स के बीच में जो कंपटीशन चलता है, यानी कि ब्रिटेन में क्या पॉलिटिक्स चल रही थी वो मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में समझाऊंगा, वहां से आपका एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, राइट right, समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं इंट्राडिसिप्लिनरी अप्रोच। आपको भारत का इतिहास कंप्लीट करने के लिए विश्व इतिहास जोड़ना पड़ेगा। भारत में अंग्रेजों ने क्या स्टेप्स उठाए उस पर पूरा पूरा असर पड़ रहा है कि ब्रिटेन में क्या पॉलिटिक्स चल रही है। दैट मीन्स आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, और ब्रिटेन में क्या पॉलिटिक्स चल रही है उस पर पूरा पूरा असर पड़ रहा है कि यूरोप में क्या घटनाएं घट रही हैं, और उनकी जो कॉलोनीज हैं, अमेरिकन कॉलोनीज, नॉर्थन अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका और सदर्न अमेरिका, वहां पर क्या घटनाएं घट रही हैं, उसका इंपैक्ट ब्रिटेन में क्या पड़ रहा है, यूरोप में क्या घटनाएं घट रही हैं उसका इंपैक्ट ब्रिटेन में क्या घट रहा है, और ब्रिटेन में क्या पॉलिटिकल हलचल हो रही है उसका इंपैक्ट भारत में क्या पड़ा। तो ये सारी चीजों को जब आप कनेक्ट कर लोगे ना, तब जाके आपको थोरो नॉलेज क्रिएट होगी और तब आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। समझ रहे हैं आप? सो दैट मींस बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी पड़ेगी हमें। जुड़े रहिए, मैं आपको सभी मुकामों तक पहुंचाऊंगा इतिहास पढ़ने के। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इवन एंजेलिस्टिक वर डिवाइडेड। अब एंजेलिस्टिक में भी दो वर्ग बटे हुए थे, ठीक है। एंजेलिस्टिक किस बेसिस पे डिवाइडेड थे? ओवर द क्वेश्चन ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। एक फ्रैक्शन कह रहा था कि वेस्टर्न स्टडीज तो लाओ लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में, और दूसरा कह रहा था वेस्टर्न स्टडीज लाओ लेकिन वर्नेक्युलर भाषाओं में। फिर हमें लॉर्ड मैकॉले के माइन्यूट में पता चलता है कि एंजेलिस्टिक जीत एंजेलिस्टिक की हुई की ही हुई, लेकिन एंजेलिस्टिक में भी कौन, जो वेस्टर्न एजुकेशन का सपोर्ट कर रहे थे, टू बी टॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो वही हमें देखने को मिलता है लॉर्ड मैकॉले का माइन्यूट 1835 में। लॉर्ड मैकॉले जो कि 1833 के चार्टर से क्या बने थे, लॉ मेंबर, उन्होंने एजुकेशन पर अपना एक माइन्यूट जो है वो माइन्यूट पेश किया। लॉर्ड मैकॉलेज माइन्यूट सेटल द रो इन फेवर ऑफ एंजेलिस्टिक। पहला पॉइंट, एंजेलिस्टिक के फेवर में उन्होंने जो है वो फैसला दिया। द लिमिटेड गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर टू बी डिवोटेड टू टीचिंग ऑफ वेस्टर्न साइंसेज एंड लिटरेचर थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। लॉर्ड मैकॉले माइन्यूट इंग्लिश लैंग्वेज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और क्या पढ़ाया जाएगा, वेस्टर्न एजुकेशन। किसका पॉइंट था ये, एंजेलिस्टिक का। ओरिएंटलिस्ट क्या चाहते थे, भारत की जो नेटिव जो इंडियन ट्रेडिशंस है वो पढ़ाए जाए, ठीक है। और 73 से लेकर 13 तक हमें ओरिएंटलिस्ट का अप्रोच दिखा, 13 के बाद हमें एंजेलिस्टिक का, और एंजेलिस्टिक के अप्रोच पर मोहर लगा दी फाइनल किसने, लॉर्ड मैकॉले के माइन्यूट ने 1835 के, जिसने इंग्लिश लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया और इंग्लिश कोर्सेज को कंपलसरी कर दिया, वेस्टर्न एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया, और फारसी भाषा जो है वो एज अ कोर्ट लैंग्वेज भारत में खत्म हो गई। अभी तक फारसी भाषा, देख रहे हैं आप, वैसे तो मुगल कब खत्म हुए, 1858 में जाकर, राइट, उसके बाद सजा हुई है ना बहादुर शाह जफर सेकंड को, और जो महारानी का जो चार्टर है उससे मुगल सल्तनत को खत्म किया गया, ठीक है। लेकिन फारसी भाषा को खत्म कर दिया गया 1835 में। उसके बाद जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस है भारत में वो सब किस में हुई, ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस इंग्लिश में हुई। अब यहाँ पर ये भी अप्रोच जो है वो अंग्रेजों का है, 1835 में इंग्लिश हुई, इंग्लिश में जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भारतीय राजाओं की कोर्ट थी वो फारसी में कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, राइट, वो फारसी में कॉरेस्पॉन्ड कर रही थी अभी भी, लेकिन जो ऑफिशियल मान्यता थी ऑफिस किसका है, अंग्रेजों का है। क्यों? क्योंकि वहां पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर कंट्रोल जो है वो आ गया। उसके बाद जो कुछ एरिया बचे थे वो डलहौजी ने अपने अंदर एक्वायर कर लिए, बट जो मैंने बोला ना, जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है, मैंने एक सेशन में बताया था ना ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को कैसे एक्वायर किया, ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को कैसे जो है वो कंसोलिडेट किया, वो जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को पकड़ा है, और फिर उसके बाद 1833 के बाद जो गवर्नमेंट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया है, शोज द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। और फिर उसके बाद उन्होंने फारसी भाषा को हटाकर 35 में इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज कर दी इंडिया की, ठीक है। नेक्स्ट चीज, लॉर्ड मैकॉले हैड द, लॉर्ड मैकॉले का व्यू क्या था भारतीयों को लेकर, ठीक है, या भारतीय एजुकेशन को लेकर, तो बिल्कुल सिंपल था, इंडियन लर्निंग वॉज इंफीरियर टू यूरोपियन लर्निंग। लॉर्ड मैकॉले ने कई जगह पर ये स्टेटमेंट बोलते हुए मिले हैं कि भारतीयों में, भारत में मैं ऐसी एजुकेशन सिस्टम लेकर आऊंगा जिससे भारतीय अपना सारा सिस्टम भूल जाएंगे, ठीक है। और वही हुआ भी। आज भी मैंने जैसे आपको पिछले सेशन में बोला था कि हम लोग क्या 10-15 मिनट बैठ के ध्यान लगा सकते हैं, नहीं, हमारा मन विचलित हो जाता है। तो ये क्यों है, ये वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से, जो बिल्कुल बेसिक चीज थी भारत में,
राइट, कि ध्यान लगाना है सुबह उठ के या कभी भी बैठ के ध्यान लगाना है और मन को स्टेबलाइज करना, ये बिल्कुल बेसिक साइंस था भारत का। ये अंग्रेजों ने सब तहस नहस कर दिया। सुबह उठ के ब्रश करना है, रगड़ना है, वो प्लास्टिक के टूथब्रश और वो केमिकल लगाकर। उसके अलावा दातुन नहीं करेंगे, पाउडर को उंगली से नहीं करेंगे, ये जो गम्स है इसमें जो नर्व्स हैं इनको एक्टिवेट नहीं करेंगे ताकि डाइजेस्टिव सिस्टम चले। तिलक नहीं लगाएंगे सुबह माथे पर, राइट। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनसे ये जो एजुकेशन था भारत का, एजुकेशन सिस्टम था भारत का, ये लॉर्ड मैकॉले ने या अंग्रेजी सिस्टम ने ख़त्म किया। और आज भी आप खुद देखिए कि आपकी आदतों में कितनी आदतें भारत की नेटिव हैं और कितनी आदतें अंग्रेजों के द्वारा इंट्रोड्यूस हैं। अगर आप खुद देखिएगा, हो सकता है कि विचारधारा के तौर पर आप ये चाहते हो कि भारत जो है वो हमें भारतीय सिस्टम वापस लेकर आना है और प्रीवियस ग्लोरी लेकर आनी है, ठीक है, अगर आपकी ये विचारधारा है और अगर आप बहुत अग्रेसिव है इस चीज को लेकर, बट स्टिल अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आपकी डे टू डे एक्टिविटीज में कितनी सारी प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस्ड है वेस्टर्न है, जो सोच के देखिएगा इस बारे में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इसको बोला गया डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। क्या है देखिएगा, इंडियन डाउन अकॉर्डिंग टू डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ लॉर्ड मैकॉले, ये करना क्या जा रहे थे कि इंडियन ऐसे लोग बनाने हैं भारतीय जो कि इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट इन ओपिनियंस इन मॉरल्स एंड इन इंटेलेक्ट, जो कि रंग और खून से तो भारतीय हो लेकिन उनका ओपिनियन, उनका मॉरल, उनकी सोच, उनका पहनावा, उनका सारा का सारा जितना भी जो भी उनका दिनचर्या है, जो भी उनकी सोच है, जो भी उनका इंटेलेक्ट है, जो भी उनकी पर्सनैलिटी है, वो सारी इंग्लिश बेस्ड हो। आज की डेट में भी अगर आप सोचते हैं, एक बिल्कुल बेसिक एक्सपेरिमेंट है, अगर आप सोचेंगे कि एक बहुत अच्छा तन पे कपड़ा हो वो क्या हो, ऑटोमेटिकली लड़कों के दिमाग में सोच जाएगी एक बहुत अच्छा फाइन क्वालिटी का सूट। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये सबके लिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द लड़के ये सोचेंगे ना, एक बहुत अच्छा पैंट कोट, एक बहुत अच्छा ब्लेजर हो, बहुत अच्छी सी टाई हो, मोस्टली बच्चे यही सोचेंगे, स्टूडेंट्स यही सोचेंगे, राइट। तो कोई भी ये नहीं सोचेगा कि अच्छा जो है वो हमारा इंडियन, जो हमारा नेटिव है, वैसा कुछ क्लोथिंग हो। तो नेटिव क्लोथिंग को कितना डाउनग्रेड माना गया। आज के डेट में भी अगर आप सोचेंगे कि अगर आप भारतीय कपड़ा रॉक करते हैं, ठीक है, तो जो जो भारतीय कपड़ा पहनते हैं लोग उसको कितना डाउनग्रेडेड माना जाता है। एक बेसिक एग्जांपल देना चाहूँगा, भारतीय उपमहाद्वीप में गर्मी होती है बहुत भयंकर, सब जानते हैं हम, और उस गर्मी के लिए भारतीय उपमहाद्वीप का बहुत बेसिक कपड़ा है कि ऊपर वाला जो टॉर्सो वाला हिस्सा है इसको जो है वो नंगा रखो बेशक आदमियों के लिए, और उसके ऊपर गमछा पहनो ताकि, और माथे वाथे से पसीना वगैरह पूंछते रहो, गीला करके पगड़ी पहनो सर पे, और नीचे जो है वो धोती पहनो या लुंगी पहनो, राइट। ये भारतीय उपमहाद्वीप के लिए बिल्कुल आइडियल कपड़ा है। क्यों? क्योंकि धोती और लुंगी में गर्मी नहीं लगेगी बिल्कुल भी, लेकिन उसके बजाय हम फिर भी टाइट शर्ट टाइट पैंट पहनते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब हमारे दिमाग में सेट कर दिया अंग्रेजों ने कि ये धोती कुर्ता, आप खुद सोच के देखिए कि धोती पहनना या लुंगी पहनना कितना ज़्यादा आपको अटपटा लगेगा। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन विल फील, वो ये चीज़ महसूस करेंगी, लेकिन अगर आप एक बार पहन लेंगे तो आपको महसूस होगा कि दिस इज़ रादर रियली कंफर्टेबल इन दिस वार्म टेम्परेचर ऑफ इंडिया। भारत नॉट जस्ट वार्म, हॉट टेम्परेचर, भारत के इतने गर्म मौसम में अगर आप एक ढीला सा कॉटन का कुर्ता या कॉटन की लुंगी या धोती पहने तो वो बहुत इफेक्टिव है भारत के लिए। लेकिन अंग्रेजों ने नहीं, बिल्कुल पहनावा, हमारी बोल चाल, हमारा रहन सहन सब खत्म कर दिया है। बर्थडे पार्टीज हम जो है वो बर्थडे पार्टीज हम दे रहे हैं और केक वगैरह काट रहे हैं, सब वेस्टर्न तर्ज पे, जबकि हमारे यहाँ क्या हुआ करता था, जन्मदिन पे धाम लगाई जाती थी, जैसे हिमाचल में बोलते हैं हम, धाम लगाई जाती थी, पूरे गाँव या पूरी कम्युनिटी को खाना खिलाया जाता था, ठीक है, या उसके अलावा मतलब जो गरीब तबका है उसके लिए जो है वो कुछ ना कुछ किया जाता था ऐसे बड़े ओकेजन्स पे, राइट। तो ये हमारा जो पूरा का पूरा कल्चर है उसको जो डेवस्टेट करा है अंग्रेजों ने, ये था लॉर्ड मैकॉले की सोच। और यही उन्होंने किया भी कि इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट इन ओपिनियंस इन मॉरल्स एंड इन इंटेलेक्ट, ये जो है वो भारत में डेवलप किया। बहुत जरूरी है हमें अपनी प्रायर ग्लोरी को देखना। नेक्स्ट देखिएगा जेम्स थॉमसन। जेम्स थॉमसन क्या कहते हैं, जेम्स थॉमसन क्या थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के 1843 से 53 तक, और उन्होंने विलेज एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस में जो है वहां पर एजुकेशन देनी शुरू करी।
नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर सुना भी होगा आपने। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में वहाँ की जो लोकल भाषाएं हैं, चाहे वो सिंधी हो, मुल्तानी हो, फारसी हो, पाश्तो हो, वहाँ की जो वर्नैक्युलर भाषाएं हैं, उन भाषाओं में उन्होंने एजुकेशन देनी शुरू करी। लेकिन कोई भी चीज़ अंग्रेजी जो है वो भारतीयों के फायदे के लिए नहीं कर रहे थे, वो एजुकेशन इसलिए दे रहे थे वहाँ पे वर्नैक्युलर भाषाओं में, दो चीज़ों से। समझाऊंगा कैसे। एक तो उनकी हमेशा से ही प्लान था कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में बफर लैंड बना के रखना है, इसलिए वहाँ के लोगों को वेस्टर्न तर्ज पे एजुकेट नहीं करना है बड़े लेवल पर। आज भी आप देखेंगे कि अफगानिस्तान में वेस्टर्न तर्ज पे लोग तैयार नहीं है, एजुकेटेड नहीं है। भारत में वेस्टर्न तर्ज पे एजुकेटेड है। पाकिस्तान जो है वो मैंने जैसे हमेशा से बोला है बफर लैंड है, तो वो बफर लैंड बनाने के लिए अंग्रेज पहले से सोच के बैठे हुए थे। तो ये मत सोचिएगा कि अंग्रेजों का प्लान नहीं था, या आज़ादी मिली या ये सब जो घटनाएं घटी हैं, दिस वॉज नॉट ऑल प्लान्ड बाय ब्रिटिशर्स। वो लोग बहुत दूर की सोचते हैं, वो लोग अगले 200-250 साल प्लान करके चलते हैं, बहुत बेहतरीन, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्लान करके चलते हैं वो 200-250 सालों का। याद रखिएगा इस चीज को, धीरे धीरे एनालाइज करना शुरू कीजिए। वो लोग बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली सोचते हैं, और हम भारतीय कॉम्प्रिहेंसिव सोच नहीं है हमारी, हमारे अंदर दूरदृष्टि नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती है हम भारतीयों की। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस है। आज भी हम लड़ रहे हैं कि हमारा कल्चर अच्छा है तुम्हारा, हमको सर्टेनिटी नहीं है कि हमारा कल्चर ही बेटर था। राइट, बहुत बेटर है, एनालाइज कीजिए अपने कल्चर को, बहुत बेहतरीन है। ठीक है, खैर, लेकिन जैसे कि मैं कह रहा था कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ने वहां पर वर्नैक्युलर भाषाओं को प्रमोट करना शुरू किया, एंड द पर्पस वाज टू ट्रेन पर्सनल फॉर द न्यूली सेटअप रेवेन्यू एंड पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। सिंपल सी बात है, वहां पर जो रेवेन्यू और पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट डेवलप हुआ था उस पर, अब देखो जो ग्राउंड लेवल, मान लीजिए कि अगर जमीन नपवानी है, सड़क पे मजदूरी करवानी है, ठीक है, या उन मजदूरों को सुपरवाइज भी करना है, तो क्या अंग्रेज अपना बंदा अपॉइंट करेंगे वहां? नहीं, अंग्रेज चाहेंगे ये जो लोअर क्लेरिकल लेवल के काम है ये भारतीयों से कराए जाएं। इसलिए उनको भारतीयों को एजुकेट करने के लिए जरूरत थी। अब उनको ये फैसला लेना था कि कहां पर वेस्टर्न तर्ज पे करना है, कहां पर वर्नैक्युलर पे करना है। भारत के मेन लैंड पे वेस्टर्न तर्ज पे करना है, क्योंकि यहां पर जो है वो हमें कैपिटलिस्ट इकॉनमी एस्टेब्लिश करनी है। भारत के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में वर्नैक्युलर भाषा में कर दो, क्योंकि उसको बफर लैंड बनाना है। ठीक है, तो ये जेम्स थॉमसन की वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में। उसके बाद वुड्स डिस्पैच देखते हैं 1854 का, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहा गया। बहुत प्राउडली बोला उन्होंने कि हमारा मैग्ना कार्टा है ये। ठीक है, देखते हैं क्या है। इट आस्क द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एजुकेशन ऑफ द मासेस, दस repudiating the downward filtration theory at least on paper। Lord Macaulay की downward filtration theory, यानी कि भारतीयों में से क्या निकाल के लाओ, एक loyalist वर्ग निकालो। भारतीयों में vernacular भाषाएं जो है वो प्रमोट करो, अंग्रेजी भाषा को प्रमोट करो, और ऐसे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज खोलो जो कि केवल बड़े शहरों में हो। इससे हुआ क्या कि जितनी भी बड़ी प्रोविंसेस के बड़े शहर हैं, केवल वहीं पर ही स्कूल और यूनिवर्सिटीज खुल सकी, और उन स्कूल और यूनिवर्सिटीज, क्योंकि जो आगे मैं बताऊंगा आपको आने वाले सेशन में, यूनिवर्सिटीज एक्ट जो है वो, ठीक है, उसमें मैं बताऊंगा किस तरह कैलकटा और मद्रास और बॉम्बे की प्रेजिडेंसी में शुरुआती यूनिवर्सिटीज खुली हैं आज़ादी के 1858 के बाद। ठीक है, तो इससे हुआ क्या, जो मेन प्रेजिडेंसीज है वहां पर क्या करना शुरू किया, उधर जो है वो एजुकेशन प्रोमलगेट हुई। ठीक है, या मैकॉले माइनूट के बाद भी बंगाल में जो है वो एजुकेशन डेवलप हुई, जो लोकल जो छोटे छोटे प्रोविंसेस है वहां पर नहीं। इससे हुआ क्या कि जो या तो एलीट वर्ग है भारत का, या तो मध्यम वर्ग है, केवल वहीं तक ये एजुकेशन सीमित रही। भारत की जो सरप्लस है पॉपुलेशन, जो पीजेंट्री है, उन तक कोई खबर नहीं पहुंच पाई। इसी चीज़ को उल्टा करने के लिए वुड डिस्पैच आया 1854 में, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को हटाना था उसने। और नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इट सिस्टमाइज द हायरार्की फ्रॉम वर्नैक्युलर प्राइमरी स्कूल। देखिए, इसने क्या बोला कि हमें जो बिल्कुल प्राइमरी स्कूल है उसको हमें वर्नैक्युलर भाषाओं में पढ़ाना पड़ेगा इन विलेजेस, ठीक है, इन विलेजेस एट बॉटम, फॉलोड बाय एंग्लो वर्नैक्युलर हाई स्कूल्स एंड एन एफिलिएटेड कॉलेज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज इन द प्रेजिडेंसीज टाउन्स ऑफ कैलकटा, बॉम्बे और मद्रास। अच्छा, ये वुड डिस्पैच पहले आया है, और वो यूनिवर्सिटीज एक्ट जो है वो उसके बाद आएगा 58 वाला, मैं उसको बताऊंगा अभी। खैर, लेकिन वुड डिस्पैच क्या था कि
जो मैकॉले ने जो बनाया है उससे केवल भारत, उससे ना बड़े लेवल पर बाबू तैयार नहीं हो रहे भारत में। इसलिए वुड डिस्पैच ने क्या किया कि अब हमें थोड़ा सा प्रोविंशियल लेवल पर जाना पड़ेगा, थोड़ा ग्राम लेवल पर जाना पड़ेगा। वहां पर ग्राम लेवल पर जो प्राइमरी एजुकेशन है वो हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी वहाँ की लोकल भाषाओं में, फिर जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा हमें इंग्लिश में, और फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज और प्रोविंशियल लेवल पर यूनिवर्सिटीज। तो देख रहे हैं प्राइमरी कॉलेजेस, सेकेंडरी कॉलेजेस, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल के कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटीज। तो ये था वुड डिस्पैच का मॉडल कि इस तरह, और प्राइमरी कॉलेज में वर्नैक्युलर पढ़ाएंगे फिर उसके ऊपर इंग्लिश, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या रिकमेंडेशंस थी, इट रेकमेंडेड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज एंड वर्नैक्युलर एट स्कूल लेवल। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल लेवल, स्कूल में भी प्राइमरी लेवल पर वर्नैक्युलर और हायर स्टडीज के लिए इंग्लिश, जो कि अभी रिसेंटली तक अभी भी चल रहा है। अगर आप देखेंगे ना ग्रामीण क्षेत्रों में पांचवी कक्षा तक केवल अंग्रेजी, अभी तो बहुत कम जगहों पर बचा होगा ऐसा, लेकिन मैं हिमाचल प्रदेश का बता सकता हूँ कि मेरे सामने सामने जब मैं फोर्थ फिफ्थ में था तब मैं देखता था कि हमारे गाँव के जो बच्चे हैं उनका जो प्राइमरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर अभी भी पांचवी तक हिंदी पढ़ाई जाती थी, इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती थी, छठी के बाद वहाँ पर इंग्लिश पढ़ाया जाना शुरू किया जाता था, ठीक है। सो दैट मींस इट वाज नॉट फार, बहुत पुरानी बात नहीं है ये, हमारी जनरेशन में रिसेंटली हमने देखा, यानी कि पिछले 20 सालों में हमने देख ली है ये चीज़ घटती हुई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बनता है कि ये जो जेम वुड डिस्पैच जो है ये अभी पिछले 20 सालों तक एक्टिव था कि जो प्राइमरी है वो वर्नैक्युलर भाषा में और फिर उसके बाद जो है वो अंग्रेजी, सेकेंडरी या हायर एजुकेशन अंग्रेजी भाषा में। उसके अलावा इट लेड स्ट्रेस ऑन फीमेल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ऑन टीचर्स ट्रेनिंग। टीचर की ट्रेनिंग पर पहली बार स्ट्रेस कहाँ पर देखने को मिला है हमें, तो वुड डिस्पैच में। अब जो बच्चे टेट का, सी टेट का, स्टेट लेवल के टेट का, टीजीटी, ये सब एग्जामिनेशंस को प्रिपेयर करते हैं उनके लिए पॉइंट बहुत ज़रूरी है, कई बार पूछा जाता है। वुड डिस्पैच में पहली बार ट्रेनिंग, टीचर्स की ट्रेनिंग होगी, इस चीज़ का जिक्र आया, ठीक है। और वोकेशनल एजुकेशन, नॉट जस्ट टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, ये वोकेशनल एजुकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो कि जैसे कारपेंट्री का काम होता है, प्लंबिंग का काम होता है, राइट, उसके अलावा जो दर्जी का काम होता है, उसके अलावा बाल काटना है, ये सारी क्या हो, ये वोकेशनल ट्रेनिंग है, यानी कि ऐसी ऐसी ट्रेनिंग आपको मिले या ऐसी आपको स्किल डेवलप हो, स्किल डेवलपमेंट आप कह सकते हैं, जिससे जो है जो कि एजुकेशन से या टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है बल्कि एक स्किल है जिसके ऊपर आप करियर जो है वो डेवलप कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति जो है वो लकड़ी का काम करना, कारपेंट्री सीख जाए तो वो कारपेंट्री कर सकता है थ्रू आउट जीवन, वो अपना चला सकता है, बिकॉज दैट्स अ स्किल। सो कारपेंट्री सीखना जो है वो एक वोकेशनल ट्रेनिंग हुआ। लेकिन अगर आप इंजन डेवलपमेंट सीख रहे हैं, अगर आप कंप्यूटर साइंसेज सीख रहे हैं, वो क्या है, वो टेक्निकल एजुकेशन है, या मेडिकल एजुकेशन, जो अगर आप मेडिकल साइंसेज या मेडिसिन के बारे में पढ़ रहे हैं तो। नेक्स्ट इज इट लेड डाउन द एजुकेशन, इट लेड डाउन दैट द एजुकेशन इंपार्टेड इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन शुड बी सेक्युलर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सेक्युलर एजुकेशन होनी चाहिए, कहां पर बोला गया है ये, वुड्स डिस्पैच में 1854। उसके बाद इट रेकमेंडेड अ सिस्टम ऑफ ग्रांट्स इन एड। अब यहां पर बोला कि अगर सरकारी इंस्टीट्यूशंस नहीं चल पा रहे हैं तो सरकारी, सरकार को अब ग्रांट्स देनी शुरू करनी चाहिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को नॉट जस्ट फाइनेंशियल ग्रांट्स बट उसके अलावा उनको अनुमतियां देनी चाहिए कि यहाँ पर आप स्कूल खोल सकते हैं, इतनी ज़मीन आपको ग्रांट दी जाती है, यहाँ पर आप ये चीज़ें जो है वो पढ़ा सकते हैं, आप टीचर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, भारतीयों को पढ़ा सकते हैं। तो ये सब वुड डिस्पैच में हुआ, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वुड डिस्पैच से रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं कि अन्य और किस किस तरह की डेवलपमेंट्स हुई, ठीक है। 1858 से पहले के पॉइंट्स हैं सारे। 1857 में यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई कैलकटा, बॉम्बे और मद्रास में, वर सेटअप एंड लेटर डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन वर सेटअप इन ऑल प्रोविंस। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बने। उसके अलावा बैथुन स्कूल वॉज फाउंडेड बाय जेईडी बैथुन एट कैलकटा 1849। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेईडी बैथुन ने बैथुन स्कूल को एस्टेब्लिश किया, एक अंग्रेज है ये। वॉज द फर्स्ट फ्रूट ऑफ अ पावरफुल मूवमेंट फॉर एजुकेशन ऑफ वुमेन विच अराउज इन 1840s एंड 50s। महिलाओं को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बैथुन स्कूल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसी की तर्ज पर विद्यासागर जी ने काम करना शुरू किया उसके बाद,
ठीक है, तो मैं विद्यासागर जी के बारे में बताऊंगा, ईश्वरचंद विद्यासागर जी के बारे में, ठीक है, और उनका बैथून स्कूल के साथ क्या रिलेशन था। आगे आने वाले टॉपिक्स में मैं जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स है वो उस टॉपिक को लेकर आऊंगा, उसमें समझाऊंगा आपको। नाउ एन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पूसा में एस्टेब्लिश किया गया और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है वो रुड़की में लेकर आया गया, इसको मैं आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेकिन अब पहले बात कर लेते हैं हंटर एजुकेशन कमीशन की 1882 से 1883 के बीच। In 1882, the government appointed a commission under the chairmanship of W.W. Hunter to review the progress of education in country since dispatch of 1854. So, 1854 से 1882 तक क्या क्या एजुकेशन में जो है वो बदलाव लाए हैं, वो डिस्पैच कितने हद तक कामयाब हुआ कि नहीं हुआ, ये सारी चीजों को एनालाइज करने के लिए हंटर कमीशन लाया गया। अब यहां पर हंटर कमीशन को बच्चे कंफ्यूज करते हैं किसके साथ, 1882-83 के हंटर कमीशन को बच्चे कंफ्यूज करते हैं 1919 के हंटर कमीशन से, जो कि पंजाब में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और रॉलेट सत्याग्रहियों को जो जेल में ठूसा गया था और उन पर जो गोलियां चलाई गई थी, राइट, जो मार्शल लॉ लगा था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और पंजाब में, उसके तहत जो जगह जगह पर लोगों पर गोलियां चलाई गई थी, उसकी जांच करने के लिए जो हंटर कमीशन बिठाया गया था, उससे आपको इस एजुकेशन से रिलेटेड जो हंटर कमीशन है इसको कंफ्यूज नहीं करना। दोनों ही हंटर नाम के व्यक्ति द्वारा जो है वो लीड किए गए थे, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इट एम्फसाइज द स्टेट स्पेशल केयर इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सटेंशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड दैट प्राइमरी एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड थ्रू वर्नैक्युलर, ठीक है, सिंपल सी बात है। इसने स्ट्रेस डाला कि प्राइमरी एजुकेशन पर काम शुरू करो और प्राइमरी एजुकेशन वर्नैक्युलर भाषाओं में हो। इट रेकमेंडेड ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन टू न्यूली सेटअप डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनिसिपल बोर्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो म्यूनिसिपल बोर्ड्स के कंट्रोल में आ जाए और जो नई डिस्ट्रिक्ट बनी है उनके कंट्रोल में आए। इट रेकमेंडेड दैट सेकेंडरी यानी कि हाई स्कूल एजुकेशन शुड हैव टू डिविजन्स, लिटररी लीडिंग अप टू यूनिवर्सिटी एंड वोकेशनल फॉर कॉमर्शियल करियर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हाई स्कूल है उसमें दो हिस्से बने, एक बना है आपका टेक्निकल एजुकेशन की तरफ मूव करे, दूसरा आपका वोकेशनल इंस्टीट्यूशन वोकेशनल जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ मूव करे। तो वही हमें देखने को मिलता है, टेंथ के बाद कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं, वो लोग डिप्लोमा करने उतर जाते हैं, ठीक है, या उसके अलावा आईटीआई करते हैं, और कुछ लोग टेंथ के बाद क्या करते हैं, 11th 12th जो है वो साइंसेज में पढ़ते हैं या ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में या कॉमर्स के सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो टेंथ के बाद दो हिस्से में बढ़ जाती है एजुकेशन, ये कहाँ से आया है, हंटर कमीशन से आया है, फिर उसके बाद भारतीयों ने अपने हिसाब से डेवलप किया उस चीज़ को। लेकिन आज हम एजुकेशन ऑफ डेवलपमेंट केवल अंग्रेजों के समय में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ब्रिटिश रूल के दौरान एजुकेशन डेवलपमेंट क्या हुआ वो पढ़ रहे हैं हम। भारतीय सरकारों ने एजुकेशन के लिए क्या डेवलप किया है उसको हम पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले फंड कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन पहले मैं प्री इंडिपेंडेंस के एरा को पूरी तरह आपको समझा दूं, फिर उसके बाद हम पोस्ट इंडिपेंडेंस में मूव करेंगे, तब जाकर पोस्ट इंडिपेंडेंस की एजुकेशनल डेवलपमेंट के पॉइंट्स को मैं लेकर आऊंगा और हम पीछे से जोड़ते हुए आएंगे जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं और जो आगे आने वाला टॉपिक है पोस्ट इंडिपेंडेंस में एजुकेशन डेवलपमेंट, उन सबको आप जोड़ोगे थोरो तरीके से तैयार हो जाएगा टॉपिक। नेक्स्ट देखिए, इट ड्रू अटेंशन टू इनएडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर फीमेल एजुकेशन स्पेशली आउटसाइड प्रेसिडेंसी टाउन्स एंड मेड रिकमेंडेशंस फॉर इसमें। सो फीमेल एजुकेशन को बढ़ावा देने की कोशिश की गई। उसके बाद आता है आपका राइट हंटर कमीशन के बाद हम सीधा जंप कर गए लॉर्ड कर्जन के टाइम पे 1904 इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि मैंने आपको ये सारे जितने भी एजुकेशन रिफॉर्म आए हैं ये किस गवर्नर जनरल या वॉयसराय के टाइम में आए, ये चीज मैंने आपको नहीं बताई। क्यों नहीं बताई, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बोला था कि मैं गवर्नर जनरल्स का सेशन अलग से लूंगा, पहले मैं ये सारी चीजें कवर कर दूं, फिर मैं यही चीजें गवर्नर जनरल्स के हिसाब से बताऊंगा और तब थोड़ो तरीके से तैयार होगी। तो मैंने आपको बोला ना, पहले हम क्रिएट करेंगे फाउंडेशन और फिर बनाएंगे उस पर हमारा महल, तैयारी का महल, राइट, फिर आप उसमें रहोगे एज अ सिविल सर्वेंट बन के, ठीक है। आगे देखिए, इन 1902 रैले कमीशन वाज सेट अप टू गो इनटू कंडीशंस एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एंड टू सजेस्ट मेजर्स फॉर इंप्रूवमेंट्स इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्किंग। नाउ हंटर कमीशन के बाद 1902 में रैले कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया। हंटर कमीशन को किसको स्टडी करने के लिए एस्टेब्लिश किया गया था, वुड डिस्पैच को।
रेलवे कमीशन को किसको स्टडी करने के लिए डिस्पैच किया, किसको स्टडी करने के लिए जो है वो अपॉइंट किया गया, हंटर कमीशन को। और रेलवे कमीशन ने क्या स्टडी करना था कि यूनिवर्सिटीज की हालत कैसी है, ठीक है। रेलवे कमीशन वॉज कंसेंट्रेटेड ऑन द कंडीशन ऑफ यूनिवर्सिटीज और क्या इंप्रूवमेंट वहां पर जरूरी है। उसके बाद जो इन्होंने रिकमेंडेशन दी उस पर इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट आया 1904 में, और एक्ट में क्या क्या जानकारी थी आइए वो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है यूनिवर्सिटीज वर टू गिव मोर अटेंशन टू स्टडी एंड रिसर्च, यूनिवर्सिटीज में रिसर्च बढ़े, ठीक है। सबसे पहली चीज ये थी कि यूनिवर्सिटीज में रिसर्च काम जो है वो करना शुरू करें, ये सबसे पहला रिकमेंडेशन था इस कमीशन का जिसपे एक्ट बना भी। सेकंड पॉइंट, द नंबर ऑफ फेलोज ऑफ अ यूनिवर्सिटी एंड देयर पीरियड इन ऑफिस वर रिड्यूस्ड एंड मोस्ट फेलोज वर टू बी नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। मतलब जितने भी वहां पर प्रोफेसर होंगे, असिस्टेंट प्रोफ होंगे, ठीक है, उनको अपॉइंट किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। गवर्नमेंट वॉज टू हैव, और उसके अलावा नॉट जस्ट प्रोफेसर्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर्स, लेकिन उसके अलावा जो वहां पर रिसर्च कर रहे हैं, जो फेलो वहां पर रिसर्च कर रहे हैं, जो अपनी थीसीज पे काम कर रहे हैं, वो कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि किस यूनिवर्सिटीज में कितने होंगे। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट वॉज टू हैव पावर्स टू वीटो यूनिवर्सिटीज सेनेट रेगुलेशन एंड कुड अमेंड दीज रेगुलेशन और पास रेगुलेशन ऑन इट्स ओन। कहने का मतलब क्या कि अगर यूनिवर्सिटी बनाती है कोई, मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी अगर फैसला ले भारतीयों के हित में, तो सरकार जो है वो उसको तुरंत फ्लिप कर सकती है कि तुमने भारतीयों के हित में कैसे दे दिया फैसला, ठीक है, तुरंत जो है वो सरकार उसको फ्लिप कर देगी। नेक्स्ट चीज, कंडीशंस वर टू बी मेड स्ट्रिक्टर फॉर एफिलिएशन ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस की एफिलिएशन जो है उनकी कंडीशंस को स्ट्रिक्ट किया गया। क्यों किया गया स्ट्रिक्ट, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट जो है प्रोवाइड करनी है वो डिस्पैच में, जैसा कि कहा गया था। उसके बाद जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो भारतीयों द्वारा फंडेड, जमींदारों द्वारा फंडेड बनने लगे, और वहां पर भारतीयों में रेवोल्यूशनरी भावनाएं जागने लगी। क्यों, क्योंकि वहां पर वो जो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस थे उस पर अंग्रेजों का कंट्रोल नहीं था, इसलिए वहां पर जो भारतीय पढ़ रहे थे वो थोड़ा सा छूट के साथ, आजादी के साथ पढ़ सकते थे। विचारों की आजादी थी, और विचारों की आजादी उस समय क्या थी, उस समय रेवोल्यूशन की भावनाएं आए, या रेवोल्यूशन के बारे में स्टूडेंट्स पढ़े, या उसके अलावा बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करें आजाद किस तरह किया जाए भारत को, इस प्रोसेस के बारे में। तो यानी कि भारतीयों में एक रेवोल्यूशन की भावना जो आने लगी थी, ये जो है वो धीरे धीरे कर्जन को सता रही थी, इसीलिए उसने यूनिवर्सिटीज एक्ट जो है वो लाया, और यहां से जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उस पर स्ट्रिक्ट किया, थोड़ा सा कंट्रोल किया कि रेवोल्यूशनरी भावनाएं प्राइवेट कॉलेज में ना फैलें। उसके बाद 5,00,000 रुपए जो है वो सैंक्शन किए गए हर साल के हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। लास्ट पॉइंट देखिएगा, द नेशनलिस्ट सॉ इन इट एन अटेम्प्ट टू स्ट्रेंथन इंपेरियलिज्म एंड टू साबोटाज नेशनलिस्ट फीलिंग्स। गोखले ने इसको कहा रेट्रोग्रेड मेजर। कहने का मतलब बेसिक ये है कि जो भारतीय नेशनलिस्ट हैं वो ये बात क्लियरली समझ गए कि अंग्रेजी सरकार क्या करना चाह रही है। अंग्रेजी सरकार बेसिकली भारतीयों को और कमजोर करना चाह रही है। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में थोड़ा बहुत भारतीय पढ़ भी रहे हैं अच्छे तरीके से, वो भी धीरे धीरे उनके हाथ जो है वो बांधना शुरू कर रही है अंग्रेजी सरकार। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गवर्नमेंट्स रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी 1913। In its 1913 resolution on education policy, the government refused to take up the responsibility of compulsory education, but accepted the policy of removal of illiteracy and urged provincial governments to take early steps to provide free elementary education to the poorer and more backward sections. A university, it was decided, was to be established in each province and teaching activities of universities were to be encouraged. तो बेसिक पॉइंट यहां पर क्या है 1913 का, कांग्रेस या उसके अलावा कांग्रेस में जो धीरे धीरे रेवोल्यूशनरी मिलिटेंट जो एक थोड़ा सा जो है वो गरम दल जो डेवलप हो रहा था, राइट, एक्सट्रीमिस्ट जो डेवलप हो रहा था, उन्होंने जो अंग्रेजों पे प्रेशर डाला है, और उसके साथ गोखले साहब ने जो लगातार एडवोकेसी की है काउंसिल्स में अंग्रेजों की पॉलिसीज के खिलाफ कि भारतीय जो है भारत को या भारतीयों को अच्छी एजुकेशन आप नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, या भारत में इलिटरेसी को लेकर आप कुछ नहीं कर रहे हैं,
तो इलिटरेसी को लेकर जो है वो रिमूवल ऑफ इलिटरेसी के लिए अंग्रेजों ने ये स्टेप उठाया 1913 में, जिससे हर एक प्रोविंस को ये मैंडेट दिया गया कि आपको फ्री एजुकेशन जो है वो प्राइमरी लेवल पर कंपल्सरी एजुकेशन देने पर एक प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दिया, बट रिमूवल ऑफ इलिटरेसी के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को बोला गया कि फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन आप प्रोवाइड करें पुअर और बैकवर्ड सेक्शंस को। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सेडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917-1919। द कमीशन वॉज सेट अप टू स्टडी एंड रिपोर्ट ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ कैलकटा यूनिवर्सिटी, बट इट्स रिकमेंडेशंस वर एप्लीकेबल मोर और लेस टू द अदर यूनिवर्सिटीज ऑल्सो। ठीक है, सेडलर यूनिवर्सिटी कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा कैसे, क्योंकि पहला पॉइंट है स्कूल कोर्स शुड कवर 12 ईयर्स, स्कूल में 12 साल पढ़ाया जाना चाहिए जो कि आज तक पढ़ाया जा रहा है। ये कहां से आया है? सेडलर कमीशन से। ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे पॉइंट जो आज तक कंटिन्यूटी में बने हुए हैं और वो कहां से उठाए गए हैं, सवाल बनता है क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स पे। ठीक है, स्कूल कोर्स शुड कवर 12 ईयर्स, स्टूडेंट शुड एंटर यूनिवर्सिटी आफ्टर एन इंटरमीडिएट स्टेज। ठीक है, पहले क्या होता था, मैट्रिक के बाद कॉलेज चले जाया करते थे। ठीक है, अगर आप अपने बुजुर्गों से पूछेंगे तो वो भी बताएंगे कि 10वीं के बाद वोकेशनल ट्रेनिंग और 10वीं के बाद कॉलेज जाने की सुविधा पहले उपलब्ध थी। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ यहां पर कि 10वीं के बाद 2 स्टैंडर्ड और बढ़ा दिए गए और फिर उसके बाद कॉलेज, तो वो इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड 2 और लाए गए, फिर उसके बाद जो है वो आप टेक्निकल ट्रेनिंग ले सकते हैं यूनिवर्सिटी जाकर, या एक डिग्री कर सकते हैं 3 ईयर की यूनिवर्सिटी से। ठीक है, उसके बाद इसके फायदे क्या होने थे, बिकॉज ये प्रिपेयर करता है स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी जाने के लिए। सबसे पहली बात तो अगर आप इमेजिन करें, एक 10वीं का बच्चा अगर यूनिवर्सिटी जाए तो क्या वो यूनिवर्सिटी के प्रेशर को हैंडल कर सकता है? आपका जवाब होगा साफ साफ नहीं। सो दैट मीन्स 11वीं और 12वीं में पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो प्रेशर होता है या यूनिवर्सिटी का लाइफस्टाइल, उसके अकॉर्डिंग जो है वो केवल 11th और 12th का स्टूडेंट बेटर तरीके से अडेप्ट कर सकता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, यूनिवर्सिटी पे एक बहुत बड़ा जो प्रेशर है, रिलीव यूनिवर्सिटीज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ बिलो यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड स्टूडेंट। यूनिवर्सिटीज के ऊपर जो प्रेशर है कि 10वीं के बच्चों को यूनिवर्सिटी लेवल तक लेकर आना, उस मानसिक अवस्था पर लेकर आना, एक यहां पर मैं एक मानसिक अवस्था वाला सीन आपको फिर से समझाना चाहता हूं, क्या है एजुकेशन से हो क्या रहा है। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि ये मैथमेटिक्स में क्यों पढ़ रहा हूं, ये मैं आगे क्या जीवन में, मेरे जीवन में कभी काम नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चों के मन में ये होता है कि मैं कैलकुलस क्यों पढ़ रहा हूं, मेरे जीवन में काम थोड़ी आने वाला है ये। ठीक है, इसका जवाब ये है कि आप कैलकुलस को अगर जो प्राइमरी एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन या हायर सेकेंडरी एजुकेशन होती है वो इस तरह डिजाइन की जाती है कि जर्नलाइज हो, 10th तक तो इसीलिए इस तरह डिजाइंड है कि सभी स्टूडेंट के लिए बराबर है, ताकि एक बेसिक समझ तो सबके अंदर डेवलप हो। ठीक है, फिर उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन में जा सकते हैं, आपको कॉमर्स साइड जाना है, साइंस में जाना है, मेडिकल साइंसेज में जाना है, ह्यूमैनिटीज पढ़नी है, या अन्य अगर आपको वोकेशनल ट्रेनिंग करनी है तो वो स्पेशलाइजेशन आप जो चाहते हैं अपने करियर के लिए 10th के बाद आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बच्चों के मन में सवाल होता है कि ये जो मैं पढ़ रहा हूं ये मैं असली जीवन में तो कभी इस्तेमाल करूंगा ही नहीं, राइट? रियल वर्ल्ड में तो हमें एक्सेल शीट्स को ही जो है वो मूव करना होता है इधर से उधर, राइट? सो ऑफिस वर्क्स में, जो कॉर्पोरेट ऑफिस वर्क है, प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर करनी होती है और इस तरह के सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करना होता है, तो वो क्यों नहीं पढ़ाया जाता, है ना? बचपन से ही वही पढ़ाना शुरू करो। लेकिन ऐसा नहीं होता, एजुकेशन जो आपको दी जा रही है ना बचपन में, वो आपके मेंटल शार्पनेस को बढ़ाने के लिए। आपको मैथमेटिक्स क्यों पढ़ाई जा रही है? ताकि आपके दिमाग का कैलकुलेटिव जो नेचर है, जो आपके दिमाग का लॉजिक लगाने वाला जो हिस्सा है वो ट्रेन हो सके, आपके दिमाग का जो कैलकुलेट करने वाला जो पार्ट है वो ट्रेन हो सके, इसीलिए आपको मैथमेटिक्स सिखाई जाती है। आपको सिखाया जाता है कि आपका मेमोरी वाला जो हिस्सा है, मेमोरी डेवलप करने वाला या मेमोरी स्टोर करने वाला जो हिस्सा है वो डेवलप हो, राइट? भाषा सीखने वाला जो हिस्सा है वो डेवलप हो, आपको शब्दों का ज्ञान आए, आपको समझ आए चीजों की, ताकि जब आप असल दुनिया में उतरे, रियल वर्ल्ड में उतरे, तो आप पिछड़ ना जाएं, राइट? जब आप किसी सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो तो आपका दिमाग जो है वो सॉफ्टवेयर में लगने वाले फॉर्मूला को कंफ्यूज ना करे, इसीलिए बचपन में मैथमेटिक्स जो है वो साइंसेज या ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जिनको आप बाद में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
तो बहुत बच्चे ऐसे मेरे को बोलते हुए मिले हैं कि सर ये तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये बाद में काम थोड़ी आना है। तो आपके लिए जवाब इतना सा है कि वो आपकी मानसिक कुशलता, आपकी मेंटल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए है। सिंपल सी बात। चाहे फिर उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन कुछ मर्जी पढ़ो, लेकिन एक बेसिक कुशलता जो है वो दिमाग की, बेसिक एक्सेलेंस जो है वो डेवलप करने के लिए ये एजुकेशन सिस्टम डिजाइंड है। जिन्होंने डेवलप किया है वो लोग बेवकूफ नहीं है, वो हाईली एजुकेटेड और बहुत स्किल्ड लोग हैं जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया है। भले ही वो चाहे उनके मोटिव्स कुछ मर्जी हो, लेकिन दिमाग को ट्रेन करने वाला जो उनका मुद्दा है वो बहुत हद तक कामयाब है। हमारा दिमाग ट्रेन होता है एजुकेशन से, बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन इसी के साथ मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा कि एजुकेशन का इंटेलिजेंस से कुछ लेना देना नहीं है। एक व्यक्ति बगैर एजुकेशन के इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन बगैर स्किल्स के वो उस इंटेलिजेंस को अप्लाई नहीं कर सकता कहीं। समझ रहे हैं फर्क? एजुकेशन से आपकी स्किल डेवलपमेंट होती है, इंटेलिजेंस व्यक्ति जो है वो हो सकता है कि जेनेटिकली इंटेलिजेंट हो कोई व्यक्ति, लेकिन एजुकेशन से आपकी स्किल डेवलप होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने आप को एजुकेट करें, और अपने आसपास जो भी आपके, अगर आपको दिख रहे हैं कि स्कूल में बच्चे हैं या छोटी उम्र के बच्चे हैं, तो उनको आप मोटिवेट करें कि आप जो एजुकेशन आपको मिल रही है स्कूल में उसको आप थॉरो तरीके से प्रिसीव करें, क्योंकि वो आपका मेंटल डेवलपमेंट के लिए ही जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा प्रोवाइड कॉलेज एजुकेशन टू दोज नॉट प्लानिंग टू गो थ्रू यूनिवर्सिटी स्टेज, ये पॉइंट भी था। नेक्स्ट पॉइंट, सेपरेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दसवीं और बारहवीं के लिए सेपरेट बोर्ड हो। कहां से आया ये? सेडलर यूनिवर्सिटी कमीशन से। अ सेपरेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन शुड बी सेटअप, दसवीं और आठवीं वाला भी, राइट, शुड बी सेटअप फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट एजुकेशन के लिए क्या बने? एक बोर्ड की स्थापना हो। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सो आइए अब देखते हैं सेडलर यूनिवर्सिटीज कमीशन के और पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, देयर शुड बी लेस रिजिडिटी इन फ्रेमिंग यूनिवर्सिटीज रेगुलेशन। उसके अलावा, अ यूनिवर्सिटी शुड फंक्शन एज अ सेंट्रलाइज्ड यूनिटरी रेजिडेंशियल टीच इन ऑटोनमस बॉडी रादर देन एज स्कैटर्ड अफिलिएटेड कॉलेजेस। सो आज के डेट में जितने भी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज हैं भारत में, जितनी भी IITs हैं और NITs हैं, उन सब IITs, NITs और यूनिवर्सिटीज ऑटोनमस हैं, डीम्ड हैं। उनके कैंपस के अंदर ही बच्चों के हॉस्टल्स भी हैं और टीचर्स की फैकल्टी, टीचर या फैकल्टीज के रेजिडेंशियल एरिया भी वही हैं। दैट मींस एक ही कैंपस के अंदर पूरा का पूरा एजुकेशन और जो एजुकेशन रिसीव कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो सारे वहां पर अवेलेबल हैं। ये सेडलर जो कमीशन है उसने ही ये रिकमेंडेशन दी थी। उसके बाद ऐसी यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश हुई जिसमें ये सारा सिस्टम था। अदरवाइज पहले क्या होता था, यूनिवर्सिटी कैंपस अलग और उससे अफिलिएटेड बहुत सारे कॉलेजेस हुआ करते थे, जो कि आज भी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस अलग है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड कॉलेजेस बहुत सारे हैं, या उसके अलावा हर एक यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड कॉलेज जगह जगह पर स्कैटर्ड हैं। लेकिन एक यूनिवर्सिटी कैंपस एक ऑटोनमस बॉडी की तरह काम करे और वहीं पर उस कैंपस के अंदर ही स्टूडेंट्स रहें, कैंपस के अंदर ही टीचर्स रहें, ये सिस्टम जो है वो सेडलर कमीशन की रिकमेंडेशन पर बना, राइट। और वेस्टर्न तर्ज पे था ये, जो यूरोप की यूनिवर्सिटीज हैं वो कुछ इसी तरह से ही डेवलप थी। उसके अलावा फीमेल एजुकेशन, अप्लाइड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन। अप्लाइड साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अब बच्चे पूछते हैं कि हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, इसका फायदा क्या है? जब आप इंजीनियरिंग करें अगर, तो वहां पर अप्लाइड मैथमेटिक्स एक अलग से टॉपिक बन जाता है। जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अप्लाइड फिजिक्स एक अलग से टॉपिक बन जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उसको आप टेक्निकली अप्लाई करेंगे। आप स्टेटिस्टिकल डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, इस पूरे धरती के जितने भी मानुष हैं और वो जो भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं उसका स्टेटिस्टिकल डेटा बन रहा है, उसका एनालिसिस सारी बड़ी कॉरपोरेशंस कर रही हैं। ठीक है, एक गाड़ी को डिज़ाइन करने में जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, उसके स्प्रिंग को, उसके कॉइल को, उसके क्लच को डेवलप करने में, उसके गियर रेशो को बनाने में, उसके इंजन कंप्रेशन को देखने में, ये सारी चीज़ें जो है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स से पढ़ी जाती हैं। ठीक है, तो इनका एप्लीकेशन भी है अगर आप थोरो कोर्स कोर सब्जेक्ट में उतरेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, और उसी के डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए, ऐसा सेडलर कमीशन ने कहा। उसके अलावा टीचर्स ट्रेनिंग में इंक्लूड करो प्रोफेशनल एज वेल एज वोकेशनल कॉलेज की ट्रेनिंग। ठीक है,
टीचर्स को ट्रेन करना है वोकेशनल कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए भी, और जो प्रोफेशनल या टेक्निकल कॉलेजेस है वहां पर पढ़ाने के लिए भी। नेक्स्ट पॉइंट, इन द पीरियड ऑफ 1916 से 1921 के बीच में इस तरह की सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटीज बनी कहाँ कहाँ पर? मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और उस्मानिया। उस्मानिया जो है वो हैदराबाद, राइट। और ये यूनिवर्सिटीज आज भी मौजूद है, और ये यूनिवर्सिटीज आज भी उसी सेंट्रलाइज्ड मैटर, उसी सेंट्रलाइज्ड जो है वो मॉडल पर काम कर रही हैं कि सारी यूनिवर्सिटीज ऑटोनमस और डीम्ड हों, और कैंपस के अंदर ही स्टूडेंट्स और टीचर्स भी रहें, ठीक है। उसके बाद 1920 में गवर्नमेंट रिकमेंडेड सेडलर रिपोर्ट टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, ठीक है। सेडलर रिपोर्ट जो है वो 1920 में सेंटर में तो पहले अप्लाई हुई ही, और फिर गवर्नमेंट ने प्रोविंसेस को भी दिया, क्योंकि 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मैंने आपको बताया ना, प्रोविंशियल डायरकी, प्रोविंसेस को जो है वो एजुकेशन पर फैसला लेने के लिए हक दिए गए लेजिस्लेटिव काउंसिल को प्रोविंसेस की, ठीक है। वहाँ पर जो ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड जो मैटर हैं उसमें एजुकेशन जो है वो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं जो भारतीय हैं वो डिस्कस कर सकते थे, इसीलिए उनको ये सेडलर रिपोर्ट जो है वो प्रोवाइड की गई। नेक्स्ट देखिएगा, हार्टोग कमेटी 1929। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वुड डिस्पैच को स्टडी करने के लिए हंटर था, और हंटर को स्टडी करने के लिए रैले कमीशन था, रैले कमीशन को स्टडी करने के लिए आया कौन, उसके अलावा सेडलर, और सेडलर को स्टडी करने के लिए अब कौन आया, हार्टोग कमेटी। यानी कि ये हर एक कमेटी या हर एक कमीशन ने जो रिपोर्ट दी और उसके बेसिस पर जो एक्ट बना या जो भी नए कानून या नई जो है वो किसी तरह की पॉलिसी को अप्लाई किया गया, उसको एनालाइज करने के लिए एक नया कमीशन जो है वो कुछ समय बाद फिर से आता है, तो उसी तरीके से हार्टोग कमेटी आती है 1929 में। और हार्टोग कमेटी वाज सेट अप टू रिपोर्ट ऑन डेवलपमेंट ऑन एजुकेशन, इट्स मेन रिकमेंडेशंस वर एज फॉलोस, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है, एम्फेसिस शुड बी गिवन टू प्राइमरी एजुकेशन, बट देयर नीड बी नो हेस्टी एक्सपेंशन और कंपल्शन इन एजुकेशन, ठीक है। आपको प्राइमरी एजुकेशन बढ़ानी है लेकिन कंपल्शन नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप बढ़ाइए, सरकार ने प्रेशर नहीं डाला प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे कि आप करो ही ऐसा, ठीक है। और ये जो बहुत लीनियंटली बोल दिया कि कंपल्शन नहीं है, इसी चीज़ का तो वेट कर रहे थे वो कि पैसा जो है वो अब सरकारी अफसर जो है वो खाना शुरू कर देंगे, कंपल्शन नहीं है तो वो नहीं करेंगे काम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा, ओनली डिजर्विंग स्टूडेंट शुड गो इन फॉर हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट स्टेज, वाइल एवरेज स्टूडेंट शुड बी डाइवर्टेड टू वोकेशनल कोर्सेज आफ्टर क्लास 8th, ठीक है। 8th स्टैंडर्ड के बाद जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो उसको वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ घुसा दो, राइट। उस जैसे प्रेजेंटली अगर बोला जाए कि 10वीं के बाद, प्रेजेंट के हिसाब से 10वीं के बाद जो बच्चा कमजोर होता है ना, तो जो स्कूल में टीचर बैठे होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि इसको आर्ट्स दो, इसको कॉमर्स दो, इसको तो आप डिप्लोमा करवा लो, ऐसे बोलते हैं, इसको डिप्लोमा करवा लो आप, कहाँ इसको इंजीनियरिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की धारणा है टीचर्स के मन में, राइट। सो वो नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मैं आगे बात करूंगा आगे आने वाले सेशंस में, लेकिन यहां पर हार्टोग कमेटी ने पहली बार बात बोली थी, और उन्होंने 8वीं के बाद ही बोल दिया था, 8वीं तक ही हम देख लेंगे कि स्टूडेंट जो है वो लायक है टेक्निकल एजुकेशन पाने के या नहीं। अगर नहीं लगता है स्टूडेंट टेक्निकल एजुकेशन पाने के लायक, तो उसको हम किस में डालेंगे, उसको हम वोकेशनल ट्रेनिंग करवाएंगे उसे, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखिएगा, फॉर इंप्रूवमेंट्स इन स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन एडमिशंस शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन पे एक स्टैंडर्ड बना रहे उसके लिए यूनिवर्सिटी जो है वो एंट्रांस एग्जामिनेशंस लें या उस तरह का एक स्क्रीनिंग प्रोसेस रखें, ठीक है। दैट वॉज हार्टोग कमेटी की सजेशंस थे, रिकमेंडेशंस थे। उसके बाद देखते हैं सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन क्या है। द सर्जेंट प्लान, जिसमें सर्जेंट जो कौन था, वॉज द एजुकेशनल एडवाइसर टू द गवर्नमेंट, वॉज वर्कड आउट बाय सेंट्रल एडवाइसरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन 1944। सेंट्रल एडवाइसरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एडवाइसरी बोर्ड है ये, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन नहीं है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है, इन 1944। बाद में हमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE हमें बाद में देखने को मिला, आज़ादी के बाद CBSE कैसे डेवलप हुआ है उसके बारे में भी आगे आने वाले सेशंस में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। नाउ इट रेकमेंडेड, क्या रेकमेंड किया है, सबसे पहले तो प्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर 3 से 6 साल के बच्चों को, ठीक है, 3 से 6 साल के बच्चों को प्री प्राइमरी एजुकेशन। तो आज के डेट में जो हम देखते हैं, जो 3 साल का बच्चा चला होता है झोला डाल के प्री नर्सरी और किंडरगार्टन वगैरह इन सब में पढ़ने, ये कहाँ से आया है हमें,
देखने को मिला है साजेंट प्लान से। सो प्री प्राइमरी यानी 3 से 6 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन जो है वो देना शुरू कीजिए। उसके अलावा फ्री यूनिवर्सल और कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन मिले किसको, 6 से 11 साल के बच्चों को। फ्री कंपलसरी एजुकेशन यहाँ बोला गया 6 से 11 भारत के लिए है, अब 6 से 14 है, ठीक है। तो मैं आगे आने वाले सेशंस में वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन 6 से 11 तक कहाँ पर है सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बनता है डायरेक्ट इस पर। हाई स्कूल एजुकेशन फॉर 11 to 17 ईयर, 11 से 17 तक जो है वो हाई स्कूल एजुकेशन हो, राइट। ईयर्स एज ग्रुप फॉर सेलेक्टेड चिल्ड्रन एंड अ यूनिवर्सिटी कोर्स ऑफ 3 ईयर्स आफ्टर हायर सेकेंडरी हायर स्कूल टू बी ऑफ 2 टाइप, दो तरह की यूनिवर्सिटी एजुकेशन हो, अकेडमिक और टेक्निकल एंड वोकेशनल। अकेडमिक यानी जिसमें लिटररी और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़े जाएँ, टेक्निकल यानी कि जिसमें इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंसेज पढ़ी जाएँ, और वोकेशनल जिसमें यानी कि हस्तकला जो है वो डेवलप हो, राइट। हाथ के जो काम होते हैं, राइट, जैसे कि प्लम्बिंग है, कारपेंटरी है, इस तरह के जो बहुत ज़रूरी काम है, बहुत ज़रूरी काम है ये। सोच के देखिएगा, अगर अचानक से एक दिन प्लम्बर्स ख़त्म हो जाएं इस दुनिया से तो क्या होगा, कितनी सारी पाइप्स जो हैं वो लीक हो रही होंगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वोकेशनल कोर्सेस। अब इससे होगा क्या, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, एडिक्वेट टेक्निकल कमर्शियल एंड आर्ट्स एजुकेशन जो है वो दी जाए बच्चों को। अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट कोर्स, लिक्विडेशन ऑफ अडल्ट इलिटरेसी इन 20 साल। 1944 के बाद अंग्रेजों ने ये डिसाइड किया था कि 20 साल के अंदर अंदर क्या कर देंगे हम, एजुकेशन को, इलिटरेसी को जो है वो लिक्विडेट कर देंगे। तो आप यहां पर ना इन्हीं सारे पॉइंट्स को जोड़कर देखिए कि जो अंग्रेजों के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है उसमें क्या हो रहा है, उसके बाद भारतीयों के रिएक्शन में क्या हो रहा है, राइट। 1944 अंग्रेज लगभग विश्व युद्ध जीतने वाले हैं, 42 के बाद अंग्रेजों को यह दिखना शुरू हुआ था कि हम विश्व युद्ध जीत सकते हैं, 43 के बाद इनफैक्ट, ठीक है। लेकिन 39 से 41 तक अंग्रेजों के घुटने टिका दिए थे जर्मनी ने, ठीक है। 43 के बाद उनको दिखना लगा कि हम शायद विश्व युद्ध जीत जाएं, और इसलिए उन्होंने, और लेकिन जीत तो जाएंगे लेकिन बहुत फाइनेंशियली कमजोर हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने भारतीयों का अपीज करने के लिए जो है वो नए नए लेकर आए, वो ऐसी नए रिफॉर्म्स लेकर आए जिससे भारतीय कुछ समय तक और जो है वो उनका शासन जो है वो झेल लें, ठीक है। तो दिस वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑफ देम कि 20 साल का सोच रहे थे वो, लेकिन वो इतने कमजोर हो गए थे 44 के बाद, 47 में उनको जाना ही पड़ा। उसके बाद स्ट्रेस ऑन टीचर्स ट्रेनिंग फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन फॉर द फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप्ड, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिजिकल ट्रेनिंग और मेंटली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन कहाँ से जो है वो आया प्रावधान, सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन 1944, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस ने अपने एंड से एजुकेशन में रिफॉर्म लाने की क्या कोशिश करी, ठीक है। 1935 के बाद जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए हैं उसमें जो कांग्रेस ने मेजॉरिटी पाई है, वहां से कांग्रेस को दिख गया कि अब हम केंद्र में सरकार बनाएंगे आगे आने वाले 10 साल में। सो दैट मीन्स अब वो धीरे धीरे, मैंने आपको बोला ना नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस में, मैंने आपको समझाया कि अगर अंग्रेज छोड़कर चले भी जाते तो क्या भारतीयों के पास प्रशासन बिठाने का सिस्टम था, क्या भारतीयों के पास एडमिनिस्ट्रेशन था, नहीं। लेकिन 1937 के बाद भारतीयों के पास एडमिनिस्ट्रेशन बनने लगा, इसीलिए 1937 के बाद भारतीयों ने जो अपने एजुकेशन को रिफॉर्म करना है, सिविल सर्विसेज कैसी होनी चाहिए, स्कूल में यूनिवर्सिटीज में कैसी एजुकेशन होनी चाहिए, इन सब फैसलों पर अब डिस्कशन करना शुरू किया। उसी का नतीजा था वर्धा में होने वाली ये कॉन्फ्रेंस। सो वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन 1937, देखिएगा क्या है, द कांग्रेस हैड ऑर्गेनाइज्ड अ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन इन अक्टूबर 1937 इन वर्धा, जिसमें जाकिर हुसैन कमेटी ने एक फॉर्मुलेट की एक डिटेल्ड नेशनल स्कीम फॉर बेसिक एजुकेशन। आइए देखते हैं उसके पॉइंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट, द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड दिस स्कीम वॉज लर्निंग थ्रू एक्टिविटी। लर्निंग थ्रू एक्टिविटी यानी कि हमें सीखना है किससे, कार्य करते हुए, राइट। दैट मीन्स हमें प्रैक्टिकली जो है वो चीजों को सीखना है। आज के डेट में भी आप ऑनेस्टली अपने अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि स्कूल में जो आपके लैब्स थी, हो सकता है जो हाई एंड स्कूल है भारत के वहां पर लैब्स अच्छी हों, ठीक है, मैं ही नहीं बोल रहा कि सभी की हालत ऐसी है, लेकिन जो एक जो जनरल पॉपुलेशन जहां पढ़ी है, जो मिडिल क्लास जिन स्कूलों में पढ़ता है, उन स्कूलों में जो लेबोरेटोरीज हैं क्या वो केवल नाम मात्र की हैं,
केवल बच्चों को प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में प्रैक्टिकल शीट बनाकर पास करने की है, या आपको लगता है कि थॉरली आपके आपको जो है वो प्रैक्टिकल करा के दिखाए जाते हैं और सिखाया जाता है आपको प्रैक्टिकल नॉलेज? सो इसका जवाब आप कमेंट में नीचे दे सकते हैं कि अगर ऐसा होता है या नहीं, आपने ऐसा एजुकेशन पाया है या नहीं पाया है। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिए, भारत में लर्निंग थ्रू एक्टिविटी लाई जानी है। लर्निंग थ्रू एक्टिविटी लाई जानी है, ऐसा क्यों? अब ये जो जाकिर हुसैन कमेटी है और इनके द्वारा जो प्रावधान है ना, ये बहुत ज्यादा गांधी जी की हरिजन जो पत्रिका है उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया 1932 में जो कॉम्युनल अवार्ड आया है, उसके बाद जो पूना पैक्ट हुआ है, पूना पैक्ट के बाद गांधी जी ने अपनी एनर्जीज को कंसंट्रेट किया किस डायरेक्शन में, हरिजन महासभा, हरिजन सेवक सभा जो उन्होंने बनाई, और उसके बाद जो ड्राउन ट्रोडन है, जो दलित उनके डेवलपमेंट में काम करना शुरू किया, और जो हरिजन पत्रिका है गांधी जी ने उसमें बढ़ चढ़कर अभिलेख लिखे। उस अभिलेखों में उन्होंने भारत की एजुकेशन कैसी होनी चाहिए उसको हरिजन या जो भारत के दलित हैं, जो बाद में शेड्यूल्ड कास्ट के नाम से जाने गए, उन लोगों के लिए या वो समाज के उस हिस्से को ध्यान में रखते हुए स्पेसिफिकली एजुकेशन को डेराइव किया, और गांधी जी की उन पॉलिसीज के बेसिस पे एजुकेशन जो है वो एजुकेशन कैसी रहनी चाहिए आजाद भारत की, उस पर जाकिर हुसैन कमेटी की ये कुछ पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला पॉइंट है कि मेन प्रिंसिपल क्या होना चाहिए एजुकेशन का, इज लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिएगा, इंक्लूजन ऑफ अ बेसिक हैंडीक्राफ्ट इन द सिलेबस। सिलेबस में एक ऐसा हैंडीक्राफ्ट होना चाहिए, या चाहे आपको कपड़ा आता हो, बुनना, चरखा चलाना आता हो, आपको कारपेंट्री आती हो, यानी कि एक बेसिक वोकेशनल कोई चीज जो है वो बच्चे को आनी चाहिए, ताकि इन द मेन टाइम वो 2-3 सालों में वो स्किल डेवलप कर ले और उस स्किल से वो प्रोडक्शन निकालना शुरू कर दे और अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठा ले। ये गांधी जी की सोच थी, लेकिन ये गांधी जी की सोच जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसके खिलाफ थी, राइट? बहुत ज्यादा खिलाफ थी, कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को क्या बनाना, उनको बनाना है मजदूर जो उनकी बनाई हुई और उनके बनाई हुई इकोनॉमिक सिस्टम में काम करे, ना कि कोई ग्रामीण लेवल पर इकोनॉमिक सिस्टम जो एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक सिस्टम हो। सोच के देखिए, आज के डेट में जो गांव है, अगर ये जो कपड़ा मिल में बनने के बजाय अगर ये कपड़ा जो आपने पहना है ये आपके घर में खुद बन रहा हो, या आपके आसपास जो गांव है वही लोग बना के आपको कपड़ा दे रहे हो, तो क्या ये बड़े बड़े शोरूम्स हैं इंडिया में इनकी जगह रह जाएगी? क्या जो बड़ी बड़ी वेस्टर्न मिल्स हैं, क्या जो बड़े बड़े ये जो ब्रांड्स हैं ये भारत में काम कर पाएंगे? बहुत हद तक नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि भारत की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो आम लोग हैं, और वो अगर उनको, आम लोगों को उनके लोकल मार्केट में उनके जान पहचान के लोगों द्वारा उनकी आंखों के सामने अच्छी क्वालिटी का कपड़ा मिल रहा हो, तो वो क्यों ना उनको खरीदेंगे, राइट? खुद सोच के देखिए, अगर आपको आपकी आंखों के सामने आपके भरोसे का इंसान आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग आपकी पसंद का कपड़ा, और उस कपड़े को भून कर, उस कपड़े को सील कर आपकी पसंद का कपड़ा अगर बना के दें, तो आप वो खरीदेंगे या किसी शोरूम में जाकर कोई हाईफाई, कोई मिल, कोई मशीन द्वारा क्रिएटेड कपड़ा खरीदना पसंद करेंगे, राइट? तो ऑब्वियसली, और इसमें एक फैक्टर और डल जाए कि जो लोकल बाय है, जो लोकल प्रोडक्शन है, उससे भारत की इकोनॉमी कितनी डेवलप हो रही है, और जो कैपिटलिस्ट जो है उनसे केवल भारत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, भारतीयों को असर नहीं हो रहा, राइट? भारतीयों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है, कैपिटलिस्ट की जेब भर रही है, भारत से उल्टा पैसा बाहर जा रहा है, भारतीय जो आपस में मिलकर पैसा जनरेट कर रहे हैं हम, वो कैपिटलिस्ट की जेब में डाल दे रहे हैं, ठीक है? उसके खिलाफ जो है वो एक नया इकोनॉमिक सिस्टम जो गांधी जी ने या उस समय के जितने भी गांधीवादी लोग हैं उन्होंने जो डेवलप करने की कोशिश करी थी वो सस्टेन नहीं करने दिया, एग्जीक्यूट कर दिया गांधी जी को, बाकियों को डराकर भारत से बाहर भेज दिया। और सुभाष चंद्र बोस जी भी, उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, राइट? समझ नहीं आया अचानक से, ये जो इतने इंपॉर्टेंट लोग हैं जो कि भारत को बहुत बेहतरीन डायरेक्शन में ले जाना चाहते थे, वो कैसे अचानक से गायब हो गए, ठीक है? तो खैर, इस पे कोई पॉलिटिकल कमेंट मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन स्टिल यू कैन कनेक्ट द डॉट्स। आगे देखिएगा, नेक्स्ट चीज, एक बेसिक हैंडीक्राफ्ट सिलेबस में हो, उसके अलावा फर्स्ट 7 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग टू बी इन इंटेग्रल पार्ट ऑफ अ फ्री एंड कंपलसरी नेशन वाइड एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, जो कि वर्नैक्युलर भाषाओं में हो, मदर टंग्स में हो, पहले 7 साल मुफ्त हो, उसके बाद टीचिंग टू बी इन हिंदी में हो टीचिंग, क्लास 2nd से लेकर क्लास 7th तक, और इंग्लिश में हो क्लास 8th के बाद, क्लास 8th और उससे ऊपर इंग्लिश में हो,
ठीक है, वेज टू बी डिवाइस टू एस्टेब्लिश कॉन्टेक्ट विद द कम्युनिटी अराउंड स्कूल्स थ्रू सर्विस। जापान में भी ना, आज भी जापान में जमादार नहीं होते स्कूल में, ठीक है। हम भारत में कितना प्राउडली बोल देते हैं कि भारत, भारत की सोसाइटी की देखें अब कितनी बुरी हालत है। हमारे स्कूलों में, हमारी पब्लिक प्लेसेस में जो जमादार हैं वो सोसाइटी का एक वर्ग, एक अलग जो है वो जाति, वो काम कर रही है। इतना डाउनग्रेडेड है, मुझे बहुत शर्म आती है इस बात को बोलते हुए भारत के समाज में। और जापान में क्या पढ़ाया जाता है, जापान में बच्चों को स्कूल में जमादारी करना बच्चों के करिकुलम का हिस्सा है। बच्चे स्कूल में टर्न्स लगती है बार बार, सभी को स्कूल में जमादारी करनी पड़ती है, झाड़ू पोछा टॉयलेट सब कुछ साफ करना पड़ता है बच्चों को, समझ रहे हैं आप। इसका मतलब ये कि ये जो बेसिक चीजें हैं ना, ये सबके अंदर डेवलप की जाती हैं, कि जो बेसिक सैनिटेशन है ये समाज के किसी एक तबके का काम ना होकर सभी की जिम्मेदारी है। तो ये चीज भारत में ऐड की जानी थी और ये जापान से ऐड होनी थी भारत में। सुभाष चंद्र बोस जी का आइडिया था, उनका जापान के साथ काफी अच्छा रिलेशन था, ठीक है। और ये जो जापानीज एजुकेशन है, ये जापानीज तर्ज पे जो सुभाष चंद्र बोस जी जापानीज और जो जर्मन तर्ज में भारत में इंजीनियरिंग को डेवलप करना चाहते थे, ठीक है। उनका क्या विजन था, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान का साथ दिया उन्होंने, राइट। उनका ये था कि जर्मनी और जापान से जो टेक्नोलॉजी है वो केवल हम टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट ना करके भारत में प्रौद्योगिकी का हम डेवलपमेंट करें। आज भी भारत में आप जितने भी ट्रेन कैरेजेस देख रहे हैं, सारा जर्मन का टेक्नोलॉजी, सारी जर्मनी की है। मैन्युफैक्चरिंग भले ही भारत में हो रही हो, कई केसेस में तो मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में नहीं हो रही, इंपोर्ट हो रहा है भारत में केवल, ठीक है। वहां से इंपोर्ट होता है, भारत में केवल असेंबल किया जाता है, ठीक है। बट ये जो शुरुआती जो हमारे लोग थे, ये चाहते थे कि भारत में एजुकेशन, भारत में इंजीनियरिंग डेवलप हो। और दूसरी साइड गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी का क्लैश था इसी चीज को लेकर। दोनों ही भलाई चाहते थे भारत के लिए, दोनों ही वर्ग ये चाहता, दोनों ही साइड ये चाहती थी कि भारत में तरक्की हो। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी का क्या था कि टेक्नोलॉजी का हमें साथ लेना है, भारत में टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है। और गांधी जी ये कह रहे थे सिंपल सी बात कि भारत अभी तैयार नहीं है टेक्नोलॉजी लाने के लिए, भारत का पहले ग्रामीण लेवल आपको सुदृढ़ करना पड़ेगा, धीरे धीरे नेचुरली भारत में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा, सो नेचुरली लेके आओ। लेकिन जो दूसरा पक्ष था वो कह रहा था कि अचानक से जो है वो भारत में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लेकर आओ। और जो तीसरा पक्ष फाइनली जीता, उसने क्या किया मैं आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस में बताऊंगा कि किस तरह उन्होंने एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सेटअप करने में जो है वो विदेशियों का साथ दिया, ठीक है। तो खैर, ये हो सकता है कि कुछ मेरे जो ओपिनियंस हैं वो लगे स्टूडेंट्स को कि ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली डायलेटेड हैं या बायस हैं, लेकिन मैं आपके आगे फैक्ट्स पेश करूंगा, ठीक है। खुद एनालाइज करेंगे हम मिलकर, आगे देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है वेज टू बी एस्टेब्लिश, अच्छा, कम्युनिटी अराउंड स्कूल्स थ्रू सर्विस। उसके अलावा सूटेबल टेक्निक टू बी डिवाइज्ड विद अ व्यू टू इम्प्लीमेंटिंग द मेन आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन, एजुकेटिंग द चाइल्ड थ्रू मीडियम ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी ऑफ अ सूटेबल हैंडीक्राफ्ट। सिंपल सी बात है, कोई बच्चे को एक सूटेबल हैंडीक्राफ्ट जो है वो सिखा दो और फिर बच्चा खुद जो है वो अपनी कमाई करना शुरू कर दे, फिर पढ़ाई के साथ वो कमाई भी करे और फिर धीरे धीरे हायर एजुकेशन उसको अगर टेक्निकल लेना है तो ले, वो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज द बेसिक प्रेमिस वॉज दैट ओनली थ्रू सच अ स्कीम कुड इंडिया बी एन इंडिपेंडेंट एंड नॉन वायलेंट सोसाइटी। भारत में नॉन वायलेंस लाना बहुत जरूरी है। आज के डेट में बंबई शहर का मैं हाल बताता हूं कैसा है। बंबई शहर में सड़कों पर रहने वाले लोग चूहों को मारकर खाने के लिए विवश हैं, वैसे ही लोग नशा करते हैं फिर, और वैसे ही लोग वायलेंस को अडॉप्ट करते हैं। वायलेंस करना कोई ताकत नहीं होती, वायलेंस करना कमजोरी है। अगर व्यक्ति के अंदर कोई इनसिक्योरिटी है तभी वो रिजोर्ट करता है वायलेंस की तरफ, राइट। सो दैट मींस भारत की जो ग्रामीण व्यवस्था है, अगर भारत की जो जड़ है उसी को ही अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर कर देंगे तो भारत में एक बहुत नॉन वायलेंट सोसाइटी बन जाएगी। लेकिन क्या यह कैपिटलिस्ट इकॉनमी को साथ देता है? कैपिटलिस्ट इकॉनमी एस्टेब्लिश वही हो सकती है जहां पर एक स्पेसिफिक तरीके की सोसाइटी हो, वो सोसाइटी जो है वो आपस में लड़े। आप ध्यान दीजिएगा, अगर सोसाइटी आपस में लड़ रही है ना, यानी कि कैपिटलिस्ट इकॉनमी काम कर रही है, सिंपल सी बात, ठीक है। अगर सोसाइटी आपस में नहीं लड़ रही ना, हार्मनी से जी रही है, तो वहां पर कैपिटलिस्ट इकॉनमी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है वो, ठीक है। भूटान के लोग इतनी हार्मनी से क्यों जी रहे हैं, कैपिटलिस्ट इकॉनमी नहीं है वहां पे, ठीक है। इतने बड़े लेवल पर वहां पर कैपिटलिस्ट लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ।
खैर रिसोर्सेज की कमी है वो अलग बात है, बट स्टिल प्रोस्पेरिटी इंडेक्स में भूटान का रैंक बहुत ऊपर है भारत से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सोचिएगा इन सब मैटर्स पे। थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप लोगों का पर्सपेक्टिव जनरेट हो, बड़ा हो, थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में आके देखिए। भारत के एक गली एक कूचे के निवासी ना होकर अपने आप को इस धरती का निवासी मानना शुरू कीजिए। और आपके ऊपर सोक्रेट्स ने बात कही थी दैट आई एम नॉट अ आई एम अ सिटीजन ऑफ दिस वर्ल्ड नॉट ऑफ अ कंट्री और नेशन। एक गली एक कूचे का एक शहर का एक बाशिंदा नहीं हूं मैं एक पूरी धरती का रहने वाला हूं। राइट, ये जो पॉलिटिकल रीजंस है कि आप इस देश में पैदा हुए, इस राज्य के रहने वाले हैं, ये आपकी भाषा है, ये आपके पैदा होने के बाद आप पे थोपी गई हैं। एक बार आप सोच के देखिए तो आप इस धरती पर पैदा हुए हैं, समझ रहे हैं आप इस धरती के निवासी हैं। राइट, उसके बाद की बातें हैं ये कि आप किस देश के निवासी। तो एज अ सिटीजन ऑफ दिस वर्ल्ड रहकर आपको सोचना है, एक पर्सपेक्टिव, एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव जनरेट करना है आपको अपने आप में, बहुत जरूरी है। हमारी जनरेशन, आगे आने वाली जनरेशन एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में नहीं देखेंगे अपने आपको तो ये प्लेनेट 50 साल से ऊपर नहीं झेल पाएगा इंसान को। ऐसी नेचुरल कैलमिटीज आएंगी कि तहस नहस हो जाएगा सिस्टम। राइट, भले ही वो बीमारियां हो या भले ही वो और किसी भी तरह का क्लाइमेट चेंज की वजह से जो समस्या आए। ठीक है, तो एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव जनरेट करें, भाईचारा बढ़ाने की बात करें, बहुत जरूरी है। हम इस पूरी धरती के सिटीजन हैं, हम किसी एक धर्म, एक जाति, एक देश के सिटीजन नहीं है। हम इंसान हैं और हम इस धरती पर रहने वाले लोग हैं, हमें इस पूरी धरती की भलाई के लिए काम करना है। अगर आप अपनी जनरेशन और अपने बच्चों में इस भावना को नहीं डाल सकते हैं तो प्लीज कुछ कीजिए अपनी इस मानसिकता का। मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़ के। ठीक है, आगे आइए, आगे देखते हैं। ठीक है, नाउ देयर वॉज नॉट मच डेवलपमेंट ऑफ दिस आइडिया बिकॉज ऑफ, अब इस आइडिया पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस ने रेजिग्नेट कर दिया था। कांग्रेस के सारे मिनिस्टर्स ने जो है वो रेजिग्नेट कर दिया था अक्टूबर 1939 में। ये रेजिग्नेट क्यों किया था ये आगे आने वाले सेशन में आपको मैं डिस्कस करूंगा क्या घटनाएं घटी थी कि कांग्रेस को रेजिग्नेट करना पड़ा। ठीक है, अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ वर्नैक्युलर एजुकेशन। वर्नैक्युलर एजुकेशन को डेवलप करने के लिए, स्पेसिफिकली वर्नैक्युलर एजुकेशन को डेवलप करने के लिए क्या अभी तक जो हमने पढ़ा उनमें से क्या क्या स्टेप लगे, तो 1835-36-38 विलियम एडम्स की रिपोर्ट ऑन वर्नैक्युलर एजुकेशन इन बंगाल एंड बिहार पॉइंटेड आउट द डिफेक्ट्स इन द सिस्टम ऑफ वर्नैक्युलर एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्नैक्युलर एजुकेशन यानी लोकल भाषाओं में एजुकेशन दें उसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए, तो विलियम एडम की रिपोर्ट। उसके बाद जेम्स जॉनथन 1843-53, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, मैंने आपको बताया ही है, एक्सपेरिमेंट्स इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर देयर इंक्लूडेड ओपनिंग वन गवर्नमेंट स्कूल एज मॉडल स्कूल इन ईच तहसीलदारी एंड अ नॉर्मल स्कूल फॉर टीचर्स ट्रेनिंग फॉर वर्नैक्युलर स्कूल्स। ठीक है, तो वहां पर हर तहसीलदारी में, जहां पर तहसीलदार बैठता है वो उसकी तहसीलदारी है, सो हर तहसील में एक वर्नैक्युलर स्कूल नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में खोलने की जो है वो इनिशिएटिव लिया किसने, जेम्स जॉनथन ने। उसके बाद 1853 इन अ फेमस माइन्यूट लॉर्ड डलहौजी एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग ओपिनियन इन फेवर ऑफ वर्नैक्युलर एजुकेशन, सो लॉर्ड डलहौजी ने भी वर्नैक्युलर एजुकेशन पर काम किया। उसके बाद 1854 वुड डिस्पैच मेड द फॉलोइंग प्रोविजंस फॉर वर्नैक्युलर एजुकेशन, इंप्रूवमेंट क्या क्या थे, इंप्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, सुपरविजन बाय गवर्नमेंट एजेंसी और नॉर्मल स्कूल्स टू ट्रेन टीचर, ये किसने किया, वुड डिस्पैच में भी। उसके अलावा 54-71 गवर्नमेंट पेड सम अटेंशन टू सेकेंडरी एंड वर्नैक्युलर एजुकेशन, द नंबर ऑफ वर्नैक्युलर स्कूल इंक्रीज्ड बाय मोर देन 5-fold, 5 गुना से ज्यादा बढ़ गए 54-71 के बीच में वर्नैक्युलर भाषाओं के स्कूल। 1882 में हंटर कमीशन में हेल्ड दैट स्टेट शुड मेक स्पेशल एफर्ट्स फॉर एक्सटेंशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ वर्नैक्युलर एजुकेशन, मास एजुकेशन वॉज टू बी सीन एज इंस्ट्रक्टिंग मासेस थ्रू वर्नैक्युलर्स। उसके बाद 1904 में एजुकेशन पॉलिसी पुट स्पेशल एम्फेसिस ऑन वर्नैक्युलर एजुकेशन एंड इंक्रीज ग्रांट्स फॉर इट। 1904 का देख रहे हैं आप कर्जन का, और 1929 हार्टोग कमेटी प्रेजेंटेड अ ग्लूमी पिक्चर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, हार्टोग कमेटी में दिखाया कि प्राइमरी एजुकेशन की कितनी बुरी हालत है। फिर 1937 में दी स्कूल्स रिसीव्ड एनकरेजमेंट फ्रॉम कांग्रेस मिनिस्टर्स, कांग्रेस मिनिस्टर्स से
प्राइमरी स्कूल में जो है वो एनकरेजमेंट मिला, क्योंकि 1937 में कांग्रेस मिनिस्टर जो है वो बहुतायत में बड़ी संख्या में आए थे। मैं आपको करवाऊंगा ये 1937 के जनरल इलेक्शन क्या है, ठीक है, आगे आने वाले टॉपिक्स में ये चीज भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन दीज ऑल वर द डेवलपमेंट्स दैट वर डन फॉर प्रमोटिंग वर्नैक्युलर एजुकेशन इन इंडिया, इंक्लूडिंग जेम्स जॉनथन, लॉर्ड डलहौजी, वुड्स डिस्पैच, हंटर एंड हार्टोग। ठीक है, आगे देखते हैं हम, ये तो है वर्नैक्युलर एजुकेशन को डेवलप करने के लिए। अब देखते हैं टेक्निकल एजुकेशन को डेवलप करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए गए। तो सबसे पहले देखेंगे हम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में एस्टेब्लिश किया गया 1847 में, कलकत्ता में कलकत्ता कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सेटअप किया गया 1856 में, उसके अलावा 1858 में ओवरसीयर्स कॉलेज एट पूना जो है वो एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, पूना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वहां पर, जो कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड था। उसके अलावा गुंडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मद्रास यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड था। उसके अलावा मेडिकल कॉलेज एट कैलकटा इन 1835। लॉर्ड कर्जन डिड मच टू ब्रॉडन द होल बेसिस ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज। उसने मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग और वेटनरी साइंसेज के लिए जो है वो कॉलेजों को खुलवाया। उसके अलावा एग्रीकल्चर कॉलेज एट पूसा जो है वो एस्टेब्लिश किया गया, और इसी तरह के बहुत सारे कोर्स कॉलेजेस जो हैं वो खुले भारत में जगह जगह। सो दीज आर द डेवलपमेंट फॉर टेक्निकल एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल बनता है इन सब पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम देखते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं अंग्रेजों की इन सब पॉलिसीज का, इवैल्यूएशन क्या बनता है। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए कि इवन द इनएडिक्वेट मेजर्स द गवर्नमेंट टुक फॉर एक्सपेंशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन वर गाइडेड बाय कंसर्न्स अदर देन फिलेंथ्रोपिक, द गवर्नमेंट मेजर्स फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन वर इन्फ्लुएंस्ड बाय, ठीक है, सिंपल सी बात है, फिलेंथ्रोपी का मतलब होता है मानव की मानव के बेहतरी के लिए, मानव के डेवलपमेंट के लिए कोई कार्य किए गए तो उसको फिलान्थ्रोपिकल एक्टिविटीज कहा जाता है, राइट। सो फिलान्थ्रोपिकल जो है वो उनके मोटिव ना होकर उनके अन्य जो मोटिव्स थे उनको समझते हैं। सबसे पहला देखिए क्या है, एजिटेशन इन फेवर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन बाय एनलाइटन इंडियंस, क्रिश्चियन मिशनरीज एंड ह्यूमैनिटेरियन ऑफिशियल्स, ठीक है। मॉडर्न एजुकेशन को लेकर जो भारतीय क्रिश्चियंस और ह्यूमैनिटेरियन जो हैं उन्होंने जो अपना सपोर्ट दिखाया मॉडर्न एजुकेशन के लिए, ठीक है, क्यों दिखाया, उसका फायदा अंग्रेजों को कैसा हुआ, क्योंकि खैर अगले आने वाले पॉइंट में देखते हैं, इसी पॉइंट में समझ आ जाएगा आपको। देखिए, द नीड टू एंश्योर अ चीप सप्लाई ऑफ एजुकेटेड इंडियंस टू मैन एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट पोस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड ब्रिटिश बिजनेस कंसर्न्स, thus there was an emphasis on English medium as the language of administration and of education। सिंपल सी बात है, अंग्रेज भारत में अपना एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश कर रहे थे, अब बड़ी बड़ी पोस्ट पे भारतीयों को तो वो बिठाएंगे नहीं, दैट मीन्स बड़ी पोस्ट के लिए अंग्रेजी अफसर, और जो छोटी पोस्ट है उसके लिए वो अब अंग्रेजों को नहीं बिठाएंगे, यानी कि जो क्लरिकल काम है, जो बाबुओं का काम है, वहां पर भारतीयों को बिठाना है, इसलिए भारतीयों को अंग्रेजी सिखानी पड़ेगी, इसलिए अंग्रेजी का डेवलपमेंट करो भारत में, सिंपल बेसिक पॉलिसी अंग्रेजों की। तो चीप सप्लाई, ठीक है, एजुकेटेड इंडियंस की चीप सप्लाई जो है वो मिलती रहे, उसके लिए भारत में वेस्टर्न एजुकेशन को डेवलप किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द होप दैट एजुकेटेड इंडियंस वुड हेल्प एक्सपेंड मार्केट फॉर ब्रिटिश मैन्युफैक्चर। सिंपल सी बात है, एजुकेटेड इंडियंस जो है वो क्या करेंगे, अब वो अंग्रेजी दफ्तरों में जाएंगे, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेंगे तो अंग्रेजी कपड़ा भी पहनेंगे, अंग्रेजी कपड़ा पहनेंगे तो अंग्रेजी मार्केट जो है वो डेवलप होगा, ठीक है। तो अंग्रेजी भाषा सीखने वाले या वेस्टर्न एजुकेशन लेने वाले लोग वेस्टर्न मार्केट को भी एक्सपेंड करेंगे भारत में, ऐसी होप थी अंग्रेजों की, और ऐसा हुआ भी। नेक्स्ट चीज देखिएगा, एन एक्सपेक्टेशन दैट वेस्टर्न एजुकेशन वुड रिकनसाइल इंडियंस टू ब्रिटिश रूल, पर्टिकुलरली एज इट ग्लोरिफाइड ब्रिटिश कॉन्करर्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन। अब वेस्टर्न एजुकेशन में अंग्रेजों के बारे में पढ़ाया जाता था कि अंग्रेजी अफसर जो है वो उन्होंने यहाँ युद्ध किया, वहाँ युद्ध किया, इतना बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, ये सब किया, इससे उन भी ये सोचते थे कि भारतीयों में थोड़ी जागरूकता जागेगी अंग्रेजों के लिए और भारतीय जो है वो अंग्रेजों की तरफ मूव करने लगेंगे। कुछ ने किया भी, कुछ ने जो मैंने आपको बोला ना, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को जो है वो उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस खोले, और वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज जो है वो एक जगह बन गए, गढ़ बन गए, जहाँ पर भारतीय रेवोल्यूशनरी जो विचारधारा है वो पनपने लगी, ठीक है। दैट मीन्स
अंग्रेज जो चाहते थे कि एक वर्ग बने एजुकेटेड इंडियंस का जो उनकी तरफ बढ़े, वो तो हुआ ही, लेकिन ऐसा एक और वर्ग डेवलप हुआ जो कि अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो उठा। ऐसे नौजवान भी जो है वो डेवलप हुए जो कि वेस्टर्न एजुकेशन तो पा ही रहे थे, लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन में जो ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी के जो फ्रेंच आइडियाज हैं वो उनको भी पढ़ रहे थे। ठीक है, उसके अलावा कम्युनिज्म को भी पढ़ाई, कम्युनिज्म की जो है वो बहुत बड़ी हिट देखने को मिली। मैं आपको बताऊंगा कम्युनिस्ट पार्टीज कैसे एस्टेब्लिश हुई हैं, या जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टीज जो हैं रही हैं उनकी विचारधारा कैसे पनपी, कैसे जो है वो अंग्रेजी एजुकेशन सिस्टम ने उनको जो है वो सपोर्ट किया, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द ब्रिटिश दस वॉन्टेड टू यूज मॉडर्न एजुकेशन टू स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ देयर पॉलिटिकल अथॉरिटी इन इंडिया। भारत में अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी को मजबूत करना चाहते थे वो। भारतीयों के लिए कोई खास लगाव नहीं था कि भारतीयों को सुधार, वो बोलते तो यही थे कि हम तुम्हें सुधार रहे हैं, हम तुम्हारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ठीक कर रहे हैं, लेकिन मोटिव उनके पर्सनल थे। क्यों? क्योंकि अपना कॉलोनी, अपनी जो बिजनेस है और अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सुदृढ़ करना था उन्हें। नेक्स्ट देखिए, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ इंडियन लर्निंग ग्रेजुअली डिक्लाइन। ऑब्वियसली जो इंडियन ट्रेडिशनल लर्निंग है वो खत्म हो गई, ठीक है, फॉर वॉन्ट ऑफ सपोर्ट, एंड स्पेशली आफ्टर 1844 व्हेन इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट एप्लीकेंट्स फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट शुड पोजेस नॉलेज ऑफ इंग्लिश। 44 के बाद तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अगर आप चाहिए तो अंग्रेजी जो है वो अनिवार्य हो गई। अब यहाँ पर पॉइंट बोला गया है कि जो इंडियन लर्निंग है ना वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो गई, उसका पतन कितना ज़्यादा हो चुका है ना। उसका एक बेसिक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। आज अगर कोई सरकारी अफसर या कोई कॉरपोरेट व्यक्ति भी, क्या वो ये बात सोच पाता है, ये कितना बड़ा सनक लगती है कि कोई सरकारी अफसर या कोई कॉरपोरेट अधिकारी गाय पाल ले या भैंस पाल ले या दूध देने वाला कोई जानवर पाल ले घर में, जबकि डेयरी एक ऐसी चीज है जो भारतीय उपमहाद्वीप में कंज्यूम होने वाली बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी है। और आप खुद सोच के देखिए कि कितने ऐसे सरकारी अफसर हैं या कितने ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले व्यक्ति हैं जो गाय पालने का साहस करेंगे। मैं इसको साहस ही मानूंगा जो आज के डेट में गाय पाल ले, राइट, जो कॉरपोरेट होकर भी गाय पाल ले, ठीक है। सो दैट मीन्स ये जो बिल्कुल बेसिक थी कि हर घर में गाय हुआ करती थी, लोग अपना दूध घी निकालकर एक बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जिया करते थे, वो सब खत्म हो चुका है। क्यों खत्म हुआ है? अंग्रेजों ने खत्म किया है, राइट। तो ये बहुत बिल्कुल मेरे को तो बहुत अजीब लगता है। खुद मैं कई बार खुद अपने खुद के मेरे खुद के पेरेंट्स, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, मैं दूसरों की बात क्यों करूँ, मेरे खुद के पेरेंट्स जो हैं वो ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं, लेकिन जब वो शहर में आकर रहना शुरू किया तो उन्होंने गाय पालना जो है वो अपने लिए बिल्कुल अटपटा समझा। जबकि मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, हम गडरिए हैं, ठीक है, हमारी जो कम्युनिटी है गद्दी, हम गडरिए हैं, हमारा तो काम ही है शेफर्डिंग, ठीक है। और जो मेरे पेरेंट्स जिनका बैकग्राउंड ही शेफर्डिंग का था, और उन्होंने जो है वो गाय पालना अपने लिए जो है वो एक अपमान, सामाजिक अपमान के तौर पर समझा, ये हमें दिखाता है कि किस तरह हमारा समाज जो है वो अंग्रेजों के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। समझिए इन छोटी छोटी चीज़ों को। जैसे कि मैंने कहा ना, अपनी दिनचर्या, अपने लाइफस्टाइल में देखिए कि ऐसी कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो अंग्रेजों ने थोप दिए हैं हमारे ऊपर और हम बेमतलब उनको फॉलो किए जा रहे हैं, राइट। जबकि हमारी खुद की जो बेसिक, गाय को पालना एक बहुत बिल्कुल बेसिक चीज़ है, गाय को पालना हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, गाय से मिलने वाले प्रोडक्ट्स हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, राइट, एक बिल्कुल बेसिक चीज़ है, और वो हमारे समाज के लिए, खासकर हमारा जो मध्यम वर्ग, जो शहरी वर्ग है, उसके लिए कितना अगर कोई कर ले तो वो अपमान समझते हैं लोग, ये तो गाँव के लोग हैं, ये तो पिछड़े हैं जो गाय पाल रहे हैं, राइट, और डेयरी सबको कंज्यूम करनी है ना। तो ये जो हिपोक्रेसी है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज में, अंग्रेजों द्वारा इम्पोज्ड है, ठीक है, वो अंग्रेजी एजुकेशन सिस्टम की वजह से ही है। नेक्स्ट चीज, मास एजुकेशन वॉज नेग्लेक्टेड लीडिंग टू वाइड स्प्रेड इलिटरेसी, ठीक है। मास एजुकेशन को नेग्लेक्ट कर लिया गया 1911 में 84% एंड इन 1921 92% जो है वो इलिटरेट थे लोग, विच क्रिएटेड अ वाइड लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल गल्फ बिटवीन एजुकेटेड फ्यू एंड द मासेस। अब समझ सकते हैं आप ये चीज। नेक्स्ट पॉइंट, सिंस एजुकेशन वॉज टू बी पेड फॉर, इट बिकेम अ मोनोपोली ऑफ अपर एंड रिचर क्लासेस। सिंपल सी बात है, जो कैपिटलिस्ट इकॉनमी है उसका मेन एजेंडा क्या होता है? मोनोपोली क्रिएट की जाए एजुकेशन पे, ठीक है, किसी भी बिजनेस पे। एजुकेशन को बिजनेस बना दिया पहली बात तो,
और उस पर मोनोपोली क्रिएट की जाए, यही तो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिए, सिंस देयर वाज एन ऑलमोस्ट टोटल नेग्लेक्ट ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन पर टोटल नेग्लेक्ट था, क्यों? क्योंकि द गवर्नमेंट डिड नॉट वॉन्ट टू अराउज रैथ ऑफ ऑर्थोडॉक्स सेक्शंस, और सेकेंड इट हैड नो इमीडिएट यूटिलिटी फॉर द कॉलोनियल रूल। अंग्रेजों को, सॉरी, महिलाओं को एजुकेट करने का जो फंडा है वो क्यों डेवलप हुआ है वेस्टर्न कल्चर में, वो भी इसलिए डेवलप हुआ था कि महिलाएं फिर वोट दे सकेंगी और उनकी सरकारों के लिए बेहतर हो जाएगा कि वोट मिल जाएंगे हमें। वोट बैंक के लिए उन्होंने महिलाओं को एजुकेशन प्रोवाइड करी, राइट? महिलाएं एजुकेटेड एजुकेट होंगी और उनके वेस्टर्न तर्ज पे एजुकेट होंगी तो वो कंज्यूमरों की संख्या बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है ना, जितने ज्यादा लोग एजुकेटेड होंगे वेस्टर्न तर्ज पे उतने ज्यादा कंज्यूमर बढ़ेंगे, उतना ज्यादा जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लिए फायदा है। तो भारत में दो चीजों की वजह से उन्होंने महिलाओं को एजुकेट नहीं किया। पहली बात तो भारत की जो सोसाइटीज हैं वो उनके लिए ऑर्थोडॉक्स जो सोसाइटी है वो उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। दूसरी चीज, भारत में जो है वो कुछ फायदा नहीं है उसे, वोटिंग तो करने दें, भारत का समाज ऐसा है महिलाओं को बाहर नहीं निकलने देगा, वोटिंग लाइन में क्या खड़ा होने देगा, तो आप पढ़ा के क्या करेंगे जब वो वोट ही नहीं दे सकते तो। ठीक है, और डेमोक्रेसी तो है नहीं जो आपको पढ़ा के फायदा है उनको, उनसे वोटिंग करा के। ठीक है, और समाज इतना गरीब है कि कंज्यूमर जो है वो इतने पढ़ नहीं सकते। कंज्यूम कौन कर रहा है? केवल मिडिल वर्ग की महिलाएं पढ़ रही हैं। इसलिए ज्यादा महिलाओं को पढ़ाने के ऊपर जोर नहीं दिया अंग्रेजों ने, क्योंकि उनका कुछ फायदा नहीं था। नेक्स्ट चीज, साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन वॉज बाय एंड लार्ज नेग्लेक्टेड। बाय 1857 देर वर ओनली 3 मेडिकल कॉलेजेस एट कैलकटा, बॉम्बे एंड मद्रास, एंड ओनली 1 गुड इंजीनियरिंग कॉलेज एट रुड़की विच वॉज ओपन ओनली टू यूरोपियन एंड यूरेशियंस। ठीक है, सो जैसे कि मैंने बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ मैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इस पर जल्द ही मैं एक सेशन लेकर आने वाला हूँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, सारे थ्रेड जुड़ जाएंगे। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो नहीं चाहते कि भारतीय जो है वो टेक्निकल एजुकेशन सीखे। अदरवाइज आप देखेंगे आज जितने भी लीडिंग, पूरी दुनिया के जितने भी लीडिंग मेडिकल इंस्टीट्यूशंस होंगे ना, भारतीय उसमें मिल जाएंगे आपको और एक्सेल करते हुए मिलेंगे। आज जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस है ना इंजीनियरिंग के, उसमें भारतीय आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन भारत में कोई भी लीडिंग टेक्निकल एजुकेशन नहीं मिलेगा आपको, है लेकिन आईआईटी बॉम्बे, आईआईटीज वगैरह हैं लेकिन इतने बड़े स्तर पर नहीं है ना जिस तरह मैसाचुसेट्स काम कर रहा है, राइट, या अन्य बड़े टेक्निकल यूनिवर्सिटीज काम कर रही हैं। ठीक, तो ये क्यों? ये अंग्रेजों के द्वारा एजुकेशन जो पॉलिसीज है उसकी वजह से। भारतीयों के पास दिमाग है, हमारा आईक्यू, हमारा जो लॉजिक को स्ट्रेंथन करने का जो दिमाग है वो बहुत स्ट्रांग है, राइट। हमारा मेडिकल साइंसेज, अब देखिए, अगर आपको ऑपरेट करना है, ऑपरेशन करना है, हाथ में स्थिरता होनी चाहिए, दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। भारतीयों में दोनों है, दिमाग में स्थिरता और हाथ में स्थिरता और दिमाग में क्लैरिटी। ठीक है, तो मेडिकल साइंसेज में जितने भी बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर जो टॉप सर्जन हैं इंडियंस वहां पर आपको मिल जाएंगे। ऐसा क्यों है? ठीक है, लेकिन भारत में बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूशंस कामयाब क्यों नहीं है? हैं भी, ऐसा नहीं है, एम्स दिल्ली बहुत बेहतर है, राइट, लेकिन स्टिल फिर भी बाहर के इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। क्यों? क्योंकि भारत में जो कैपिटलिस्ट इकॉनमी है उसने भारतीयों को भारत में डेवलप नहीं करने दी एजुकेशन, उसने भारत में डेवलप नहीं करने दी टेक्नोलॉजीज, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसे वर्ग थे हमारे जो संविधान, नॉट संविधान बट जो संग्राम था आज़ादी का, उसमें कुछ ऐसे नेता थे जो चाहते थे कि भारत में डेवलप हो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी, और कैसे उनको हटा दिया गया रास्ते से। ठीक है, आगे आने वाले सेशंस में डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने पढ़ा एजुकेशन के बारे में थॉरली, कि भारत में वेस्टर्न एजुकेशन किस तरह डेवलप हुई, और हमने केवल कॉलोनियल रूल में पढ़ाया अभी, है ना, ब्रिटिशर्स के शासन में हमने देखा कि एजुकेशन कैसे डेवलप हुई। आगे आने वाले सेशन में मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी बताऊंगा कि भारतीय जब शक्ति में आए तो उन्होंने कैसे एजुकेशन को डेवलप किया, क्या चेंज किया, क्या रहने दिया, उनके क्या पॉलिटिकल एस्पायरेशंस थे, भारतीयों पर क्या असर पड़ा, और जो अब ये नई एजुकेशन पॉलिसी आई है ये कैसे बेहतर है, और इसके इम्प्लीमेंटेशन किस तरह जो है वो किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों को हम आगे आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे।
आज का सेशन केवल यहां पर मैं समाप्त करता हूं। अंत में मैं फिर से सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को कहना चाहूंगा कि अगर वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं तो दे कैन गो एंड चेक आउट द लर्निंग एप्लीकेशन ऑफ स्टडी IQ। जाइए वहां पर और उस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, इस लिंक पर टैप कीजिए। आपको आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है और जस्ट एक बार चेक करना है कि क्या क्या अवेलेबल है। आपको खुद दिख जाएगा उसमें कि CSE से रिलेटेड सारा कुछ वहां पर अवेलेबल है और बहुत अमेजिंग लगेगा आपको, ठीक है। सो मेक श्योर यू चेक दैट आउट। सो आज के सेशन में केवल इतना ही। मेरा नाम है विशाल चौहान, मैं मिलूंगा आपसे अगले सेशन में। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।